मिनट में। इसमें आपका लेफ्ट राइट बड़ा क्लियर होना चाहिए, बाएं से दाएं से ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपका लेफ्ट लेफ्ट रहता है और आपका राइट राइट रहता है, आपका बायां बायां रहता है और आपका दायां दायां रहता है। और आज की क्लास में बहुत चीज सीखेंगे विदाउट पेन। एक बात याद रखना बच्चे, पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। जितना कम पेन यूज करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। कम पेन यूज करने का मतलब ये नहीं है कि नोट्स ना बनाओ। इस फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, विदाउट पेन क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, बहुत जगह से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। सबने लाइक पे क्लिक नहीं किया यार। तो रैंकिंग अरेंजमेंट, अब रैंकिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा। एक चीज याद रखना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल होता है, इज इक्वल टू टोटल होता है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल होता है। लेफ्ट की पोजीशन, राइट की पोजीशन माइनस एक, ये टोटल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखें। ए इज 13th फ्रॉम लेफ्ट, ए बाएं से 13वें नंबर पे है, बी इज 18th फ्रॉम राइट, बी दाएं से 18वें नंबर पे है। ए बाएं से 13वें नंबर पे है, बी दाएं से 18वें नंबर पे है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा है, कुल कितने छात्र हैं। अरे बता दो इस क्वेश्चन का जवाब, दो कुल कितने छात्र हैं बताओ। कौन पहले जवाब देगा, कौन पहले जवाब देगा? आज की क्लास जिसको रीजनिंग आती है ना वो भी जरूर आना, वहम टूट जाएगा आज आपका कि मुझे तो रीजनिंग आती है। जिसको नहीं आती उसको तो मुझे सिखाना ही है, जिसको आती है वो जरूर वहम तोड़ना आज। मेरा नाम भी बोल दो, गोलू यादव नाम बोल दिया भाई, सबका नाम बहुत ऊंचाइयों तक जाए। जल्दी से फटाक दे 100 लाइक और 200 लाइव लेकर के आओ फिर। ठीक, आ जाओ। देखो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। उसने क्या बोला, बाएं से नंबर क्या दे रखा है 13वां, दाएं से नंबर क्या दे रखा है 18वां और माइनस एक। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, पहला बेसिक क्वेश्चन, बाएं से क्या दे रखा 13वां, दाएं से क्या दे रखा 18वां, माइनस एक, तो आंसर आ गया 30। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, इनडायरेक्ट वे से बहुत पूछा जाएगा, सबका जवाब 30 है। यादव, अंकित, सोमवीर, सम्राट, सारे के सारे बच्चों का 30 है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अभी मैंने लेफ्ट दिया, राइट दिया, टोटल पूछ लिया। अब मैंने टोटल दे दिया, मैंने क्या किया, टोटल दे दिया। अब मैंने टोटल गिवन है, एक साइड की पोजीशन गिवन है, ठीक है, दूसरी साइड की पूछी है, तो वही चीज। अरे बच्चे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है और लास्ट क्वेश्चन बहुत एडवांस। ये तरीका अपनाएंगे बहुत आराम से बड़े लेवल तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक, लास्ट क्वेश्चन बहुत टफ। अब लेफ्ट से बाएं से दे रखा है, बाएं से 12वां दे रखा है, राइट से पूछा है माइनस एक और टोटल 40 दिया है। लेफ्ट से दे रखा है, राइट से पूछा है माइनस एक, टोटल 40 दे रखा है। तो राइट 40 में से 11 माइनस कर दो, 40 में से 11 माइनस करोगे तो 40 में से अगर 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 29। 29 इज द राइट आंसर। बताओ 29। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी थोड़ी देर में एक लेवल बढ़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा। 5 फरवरी 2020 वाला बैच ऑनलाइन बैच लिया था। देखो जो 2020 में जिन्होंने ऑनलाइन बैच लिया था, कोरोना काल के कारण रुक गया था, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। मेरा नंबर या एप्लीकेशन पे वो नंबर होगा उस पर व्हाट्सएप कर दो। सबको ऑन कर रहा हूं भाई, सबको फ्री में दे रहा हूं। अरे जब आपने फीस पे कर दी तो दोबारा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। और नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है, 22 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की सबसे खास बात यह है, सारी की सारी लाइव क्लास होंगी, प्लस रिकॉर्डेड आपको फ्री में मिलेंगी, प्लस आपको प्रैक्टिस बैच फ्री में मिलेगा, प्रैक्टिस बैच फ्री में मिलेगा, प्लस सारी अपडेटेड पीडीएफ। कोरोना काल के दौरान आपने पढ़ाई की है, नहीं की है? मैंने बहुत पढ़ाई की है। मैंने क्या पढ़ाई की 8 साल पढ़ाने के बाद भी,
इतना अपडेटेड कंटेंट बनाया मैंने आप लोगों के लिए, इतना अपडेटेड कंटेंट बनाया, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। उसके लिए आपको आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और लाइव बैच जो है पहले 100 स्टूडेंट के लिए फीस बहुत कम है, ठीक है, पहले 100 स्टूडेंट के लिए फीस बहुत कम है। और मैथ्स का टॉपर से 2019 के टॉपर से मैथ्स सीखने को मिलेगा, मैथ्स का बैच भी 22 तारीख से शुरू हो रहा है। हाँ, इसमें देखो 18 प्लस लेफ्ट पूछा है, माइनस 1 इज इक्वल टू 50, तो लेफ्ट इज इक्वल टू 50 में से 17 माइनस कर दो, डायरेक्ट 50 में 17 माइनस कर दो, खेल खत्म। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, एग्जाम में आएगा, लिख लेना ये लाइन है कि आपके 2021 और 22 में आएगा। सब बोलते हैं ये आया था, मैं बोलता हूं ये आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, लिख लेना, ठीक है, ठीक। नाम बाद में ले लूंगा भाई, नाम बाद में ले लूंगा, नाम इतना ऊपर तक जाएगा यार, आप लोगों का भगवान आपको इतनी ऊपर तक पहुंचाएगा, अभी मैं आपका नाम नहीं ले रहा कमेंट में, आपका नाम इतनी ऊपर तक लेके जाएगा भगवान, जब आप सेलेक्शन दोगे, जब कंधों पे 3 स्टार लगेंगे, इमेजिन करके देखो एक बार इमेजिन करके देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कंधों पे, 3 स्टार, व्हाइट ड्रेस और इंस्पेक्टर की कैप, और आपके मां के आंखों के सामने और आपके मां के सामने आप इस यूनिफॉर्म में खड़े हो, कितनी खुशी मिल रही है बताओ। ये चाहिए और ये सपना पूरा करेंगे, और मैं दावा करता हूं, मैं दावा और वादा करता हूं, ये जो 22 तारीख का बैच बताया ना, मैं रोज 9:30 YouTube पे फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पूरा पूरा सिलेबस फ्री में करवाऊंगा, तो प्रीपेड लेने की क्या जरूरत है, पेड में इतनी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी बहुत सारी, साथ में YouTube से जो डाइवर्जन होता है ना, कोई युवा करके पढ़ने लग जाता है, पेड तो ऑब्वियसली बात है पढ़ने वाले ही आएंगे, तो उनके ऊपर कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन आरजी विक्रम एप्लीकेशन पे फालतू की चीजें तो मिलेंगी नहीं, सिंपल सी बात है पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाँ, इसमें इंटरचेंज वर्ड जब भी दिख जाए, इंटरचेंज वर्ड जब भी दिख जाए, यदि वे अपनी स्थिति बदल लें, यदि वे अपनी स्थिति बदल लें, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। मेरा नाम ले लो, लो भाई सुनील कुमार, अरे सबका नाम ले दिया भाई, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन, आपको आदत हो गई, यूट्यूबर को यूट्यूब पे अपना नाम सुनने की आदत हो गई, भाई इस क्वेश्चन को सुनो, नाम तब होगा, बोलो ये बात सच है कि नहीं, सच है तो लाइक कर दो। सुनो, अब सिंपल सा फंडा है, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में पेन नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे तो पेन नहीं उठाएंगे तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनना, एक ट्रिक बताऊंगा, इंटरचेंज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ट्रिक बताऊंगा, सुनो, जब भी इंटरचेंज का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन बाएं से 10वें नंबर पे है, क्वेश्चन की पहली की पोजीशन कितनी है, 10वीं, 10वीं है लेफ्ट से बाएं से, ठीक है, रुक्मणी दाएं से 21वें नंबर पे है, रुक्मणी की राइट की पोजीशन कितनी है, 21, रुक्मणी की राइट की पोजीशन कितनी है, 21, कृष्ण बाएं से 10वें नंबर पे है, रुक्मणी दाएं से 21वें नंबर पे है, यदि वो इंटरचेंज कर ले, यदि वो अपना स्थान बदल ले, तो कृष्ण की पोजीशन कितनी बन जाएगी, 15, इसमें भी एक बड़ी अच्छी चीज सिखाऊंगा, 15 लेफ्ट, थोड़ी देर में गलती होगी, देखना थोड़ी देर में गलती होगी, देखो किशन 10th नंबर पे है, 15 बन गए, किशन 10th नंबर पे था, नई पोजीशन 15 आ गई, बच्चे कितने बढ़ गए, 5, तो आप भी कितने बढ़ा दो, 5, आंसर कितना चला गया, 26 हो गया, कहा था ना विदाउट पेन सोल्व करेंगे, विदाउट पेन सोल्व करेंगे, 100 की फीस क्या है, पहले 100 की फीस बच्चे बहुत कम रखी है, ऑफलाइन फीस जो है, ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है बच्चे, जिनको नहीं पता बता दूं, ऑफलाइन मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा हॉल के सामने दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में ऑफिस है, ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, ऑफलाइन की फीस 6000 है, और ऑनलाइन की पहले 100 स्टूडेंट की, ऑनलाइन पहले 100, ये ऑफलाइन है ठीक है, और ऑनलाइन की पहले 100 स्टूडेंट की फीस 1500 की हुई है। मैं तो कह रहा हूं कॉम्बो बैच ले लो, कॉम्बो बैच ले लो, मैथ्स और रीजनिंग, गारंटेड 300 नंबर की जिम्मेदारी है मेरी, कॉम्बो बैच 2000 में मैथ और रीजनिंग, ठीक, चलो आ जाओ। सुनो, अब देखो इस बात का ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, पेन कैसे नहीं उठाना, कृष्ण की पोजीशन, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन आया, कृष्ण की पोजीशन 10, कृष्ण की कितनी बन गई, 15, क्या देखा हमने, कृष्ण की पोजीशन 10, कृष्ण की कितनी बन गई, 15, 5 बढ़ गए, 21 में 5 बढ़ा दो, 26, खल खत्म, बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया,
जितने बड़े उतने बढ़ा देना, पांच बड़े हैं तो पांच बढ़ा देना, दस बड़े तो दस बढ़ा देना, बीस बढ़े तो बीस बढ़ा देना, सौ बढ़े तो सौ बढ़ा देना, जितने बढ़े उतने बढ़ा देना। ठीक, जितने बढ़े उतने बढ़ा देना। समझ में आया? क्लियर, समझ में आया? ठीक, एक चैप्टर की मैराथन लेकर के आऊंगा मैं इस संडे को सुबह 11 बजे। रेडी हो? पूरा चैप्टर एक ही क्लास में, बोलो रेडी हो कि नहीं? पूरा चैप्टर एक ही क्लास में। 1000 कर दो प्लीज ना भाई, 1500। देखो यार मैं एक बात बताऊं, 1000 करके आपको 1000 वाली क्वालिटी प्रोवाइड कर दूं और आपका सिलेक्शन ना हो। देखो अगर आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हुए तो सिर्फ मुझे आपकी फीस मिलेगी, और अगर आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो गए तो आपके 10 भाइयों की फीस मिलेगी। तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट आपके मार्क्स बढ़वाना, और आपके मार्क्स बढ़वाना इंपॉर्टेंट है तो फीस चाहे कितनी हो आपके मार्क्स बढ़ जाए। यह जरूरी है कि नहीं? यह जरूरी है कि नहीं? मार्क्स बढ़ना जरूरी है ना? अरे लोग तो 10 रुपए में भी रीजनिंग करा देते हैं, 100 रुपए में, 500 रुपए में, 700 रुपए में। भाई क्वालिटी जरूरी है। सुनो, पांच बढ़े तो पांच बढ़ा देना, 10 बजे तो 10। हेलो हेलो, अब ठीक है भाई? अब ठीक है? एक बार बताना जल्दी से, अब ओके है? देखो इसीलिए मैंने कहा था टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो ना, अभी एक टेक्निकल इश्यू आ गया था, एक मिनट के लिए टेक्निकल इश्यू आया था, वैसे कभी आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आज ज्यादा बच्चे आ गए थे इसलिए आ गया था, ठीक है, तो इस वजह से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर लिंक मिल जाया करेगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल नाम से, रैंकर्स गुरुकुल, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, सॉल्यूशन भी मिलेगा इसका, और टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे, ठीक। 22 22 जवाब दे रहे हैं, 22 जवाब दे रहे हैं, सबने शेयर नहीं किया भाई, देखो एक मिनट का की सबर नहीं आप लोगों को। आप मुखर्जी नगर में मेरी क्लास में बैठे होते और एक मिनट में पानी पीने चला जाता, क्या आप क्लास से भाग जाते? 100 बच्चे थे, 50 रह गए, एक मिनट का सबर नहीं है, ठीक है, ये दिखता है कि कितने डेडिकेटेड है, कितने डेडिकेटेड स्टूडेंट है, ये दिखता है, एक मिनट का सबर नहीं। और एक मिनट में आपके व्हाट्सएप पे मैसेज लेट आ जाए ना तो आप 10 मिनट तक देखते रहोगे, आएगा 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 आएगा, चाहे वो फेक आईडी हो, 6 महीने बाद पता चलता है कि वो कोई और था, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो इसका जवाब देखो, पेन नहीं, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे एक बार, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे एक बार। देखो कृतिका की पोजीशन कितनी है, लो भाई कृतिका आ गई, कृतिका की पोजीशन कितनी है, 12। एक बार विदाउट पेन सोल्व करवा देता हूं, देखो कृतिका की पोजीशन 12 है, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद डिंपल की पोजीशन बदली है, यह ध्यान रखना, पोजीशन किसकी बदली है, डिंपल की, तो डिंपल पे कंसंट्रेट करेंगे, नहीं डिंपल की पोजीशन पे कंसंट्रेट करेंगे, तो डिंपल की पोजीशन 24 से 34 बन गई, 10 बढ़ गए, आप भी 10 बढ़ा दो, 24 से 34 बन गई, 10 बढ़ गए, आप भी 10 बढ़ा दो, विदाउट पेन समझ में आया, बोलो यस और नो, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया। अब विद पेन देख लो, कृतिका की पोजीशन 12 थी भाई, डिंपल की पोजीशन 24 थी भाई, कृतिका की पोजीशन 12 थी भाई, डिंपल की पोजीशन 24 थी भाई, अरे डिंपल की पोजीशन 24 से 34 हो गई, डिंपल की पोजीशन 24 से 34 हो गई, कितने बढ़ गए, 10, तो आप भी कितने बढ़ा दोगे, अरे ये 10 बढ़ गए भाई, यहां पर इंक्रीमेंट 10 का हुआ है तो आप भी 10 बढ़ा दो, 10 बढ़ा दोगे तो आंसर कितना आएगा, 22, खेल खत्म, बोलो मजा आया कि नहीं आया। हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, कृतिका की बाएं से 12वीं है, डिंपल की 24 है, और डिंपल की दाएं से 34वें पे हो जाएगी, ये काट दो, 34वें पे हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, दाएं से 34वें पे हो जाएगी, ठीक। एक राज की बात बताऊं सिलेक्शन के लिए, राज की बात बताऊं, एक होते इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एक होते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एक होते हैं कुछ आने दो,
अकेले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स साउथ इंडियन नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, वो भी कम ही होते हैं। अकेले हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्राउड बढ़ रहा है, क्राउड बढ़ रहा है। ये इतने प्योर हिंदी मीडियम बनते जा रहे हैं, हिंदी मीडियम इतने प्योर बनते जा रहे हैं कि ए इज गोइंग टू नॉर्थ, इसको हिंदी में बताओ। इतना प्योर अगर आप बनोगे तो आप लिमिटेड एग्जाम की तैयारी करोगे, यूट्यूब आपको बर्बाद कर देगा। यूट्यूब पर खास करके इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं कुछ यूट्यूबर, लेकिन आपको बर्बाद कर देगा क्योंकि आप कुछ ही एग्जाम पे ध्यान दे रहे हो। ये मत बनना कभी भी, आप बनना सारे एग्जाम की तैयारी करने वाले, सारे एग्जाम की तैयारी करने वाले। वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन दे दो, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन तो है अंकित यादव, ठीक है, चलो, मतलब हिंदी में भी समझ में आ जाए, इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। अब देखो सिंपल सा फंडा है, मैंने अभी तक नई पोजिशन निकालना बताया। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में दो टाइप, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नई पोजिशन निकालने का, दूसरा बीच में कितने हैं और तीसरा टोटल कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, बीच में कितने हैं, बीच में उनके बीच में कितने छात्र हैं, उनके बीच में कितने छात्र हैं, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम। देखो अब ये बीच में कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ठीक। कंप्लीट वीडियो बना दीजिए रैंकर्स गुरुकुल के बारे में, कंप्लीट वीडियो बना दीजिए रैंकर्स गुरुकुल के बारे में, कंप्लीट वीडियो बना दूं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद रैंकर्स गुरुकुल जो 85 बच्चों का मेरा कंसेप्ट है उसके बारे में बताता हूं, एक बार सुनो। कार्तिक की पोजीशन 17 थी, दीपक की पोजीशन 24 थी, कार्तिक की पोजीशन 17 थी, दीपक की पोजीशन 24 थी। इंटरचेंज करने के बाद किसकी पोजीशन बदली मेरे बच्चे, दीपक की पोजीशन, और दीपक की कितनी बन गई 30, कितने बढ़ गए 6, कितने बढ़ गए 6, तो बीच में कितने हैं 5, आंसर कितना जाएगा 5। अरे भाई जो 23 आंसर दे रहे हैं ये तो देख लो पूछा क्या है, ये तो देख लो मेरे भाई पूछा क्या है यार, बीच में कितने हैं, उनके बीच में कितने हैं भाई, नई पोजीशन नहीं पूछी, बीच में कितने हैं ये पूछा है, बीच में कितने हैं, 6 पोजीशन बड़े हैं तो बीच में 5 हैं, 10 पोजीशन बढ़ेगी तो बीच में 9 है, 20 पोजीशन बढ़ेगी तो बीच में 19 है, 30 पोजीशन बढ़ेगी तो बीच में 29 है, 50 पोजीशन बढ़ेगी तो बीच में 49 है, बताओ 100 पोजीशन बढ़ेगी तो बीच में कितने हैं, बताओ 99, 8 पोजीशन बढ़ेगी तो बीच में कितने हैं 7, 20 पोजीशन बढ़ेगी तो बीच में कितने हैं 19। सबने लाइक नहीं किया ना, आज मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंप्लीटली 9:30 बजे डेली रात को 9:30 बजे आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे इस बात के ऊपर। देखो मेरे कंसेप्ट जो मुखर्जी नगर के जिसके स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, जितने भी आप यूट्यूब और जितने भी आप ब्रांचेस देख रहे हो ना वहां मेरे स्टूडेंट है, आप भी बनोगे टीचर, आप भी कहीं पढ़ाओगे, ऐसा बनाऊंगा मैं आपको, लेकिन इसके लिए शेयरिंग तो बनती है। ईमानदारी से बताना किस किस ने शेयर किया, शेयर करके एक बार बोलना हाँ गुरुजी कर दिया शेयर, ईमानदारी से बताना, उसकी कसम आपको, वरना आज ही ब्लॉक हो जाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा। आ जाओ देखो सिंपल सा फंडा है, जितने इंक्रीज हो बीच में उससे एक कम। पिछला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हाउ मेनी स्टूडेंट हनी बिटवीन देम पूछ लिया तो एक कम, बीच में पूछ लिया तो एक कम, अगर नई पोजीशन पूछ लेता तो बताओ नई पोजीशन क्या आएगा, नई पोजीशन क्या आएगी इसकी, जितने बड़े उतने बढ़ा देना, न्यू पोजीशन क्या आएगी, जितने बड़े उतने बढ़ा देना। अरे मेरे आंसर से पहले न्यू पोजीशन अगर पूछ लेता हो, नई पोजीशन अगर पूछ लेता हो जितने इंक्रीज हो उतने इंक्रीज कर देना। मैंने तीन लोगों को शेयर किया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। चलो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डेली के लिंक मिलते हैं आपको बच्चे टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल। चलो नेक्स्ट बताओ, बिटवीन पूछा है, जल्दी से बीच में कितने हैं, जल्दी जल्दी बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं, जल्दी कौन जवाब देगा पहले,
बहुत बढ़िया, अनिल पाल, सुधीर, सुकृति, प्रदीप, हंसु, चलो डेली रात को 9:30 बजे लाइव रहोगे और 7 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है बच्चे, और 8:30 बजे आपके इंग्लिश की क्लास चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पे। जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी। देखो बच्चे, रैंकर्स गुरुकुल जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यूट्यूब चैनल है, ये रैंकर्स गुरुकुल ऑफलाइन की शुरुआत हुई थी 2018 में। मेरी रीजनिंग स्पेशल मुखर्जी नगर में तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन रैंकर्स गुरुकुल में मैंने क्या किया था, 85 बच्चों को मैंने रखा था, 85 स्टूडेंट का, जिसमें से मैक्सिमम 90% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 90% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत बेहतरीन पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। बच्चों के मार्क्स है 500, 600 में से 550, 560, 575, 580, 570, 590, 575, 572, 565, ये नंबर है। कट ऑफ कितनी गई है, सब बोल रहे हैं हाई है, हाई है, 528 कट ऑफ गई है और रैंकर्स गुरुकुल। लेकिन रैंकर्स गुरुकुल अब फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से 85 बच्चों का शुरुआत हो रहा है, लेकिन अब की बार महीने 3 है, तो 2 बैच शुरू होंगे, एक बेसिक से जो अगले साल के लिए है, एक एडवांस जिन्होंने कोचिंग कंप्लीट कर ली, माहौल के लिए। रैंकर्स गुरुकुल माहौल देता है आपको पढ़ने का, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 18 घंटे पढ़ाने का दावा करता है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 18 घंटे आपके पास है, जिसमें पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा, खा एक ही जगह रहना खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग, सब कुछ एक ही जगह। सोचो आपका ऑफलाइन टेस्ट भी वही होगा, आपके टेस्ट भी वही होगा, डाउट टीचर भी वही है, सारी चीजें एक ही जगह मिल गई, बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकलना, और साथ में टॉपर आपके साथ रह रहे हैं, आदित्य सर टॉपर हैं, वो वहीं से रैंकर्स गुरुकुल से टॉप किया है, तो आप क्यों नहीं। तो रैंकर्स गुरुकुल के बारे में कुछ पूछ रहे थे, तो उसका नंबर है 7836884000। ठीक है, जिसको अब की बार सीजल देना है, जिसको ऐसे माहौल में रहना है जहां एक ही जगह पे कंप्लीट तैयारी करवाई जाए, एक ही जगह जो डेडिकेटेड है, भीड़ नहीं चाहिए भाई, 85 है, भीड़ चाहिए तो मैं मेरी रीजनिंग स्पेशल से ज्यादा रैंकर्स गुरुकुल का प्रमोशन करता। भीड़ नहीं चाहिए, जो डेडिकेटेड अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, वैसे तो अब सब कहेंगे हम पढ़ने वाले तो हैं। हाँ सुनो, देखो भाई सिंपल सा फंडा है, अतुल 9th है, ठीक है, और राहुल 24th है। अतुल विल बिकम 20, अतुल 20 बन गया भाई, अतुल 9 से, अतुल 9 से 20 बन गया, कितने बढ़ गए 11, तो बीच में पूछा है तो बीच में कितने हैं 10, जितने इंक्रीज हो उतने उससे कम बीच में है। नई पोजीशन अगर पूछता तो, नई पोजीशन अगर पूछता तो, नई पोजीशन बताओ, अगर नई पोजीशन पूछता राहुल की, नई पोजीशन पूछता तो 11 ऐड कर देते, जल्दी बताओ 11 ऐड कर देते कितना आएगा। अरे यार सब कुछ माइंड में, 2 क्वेश्चन का जवाब 2 सेकंड में, बीच में पूछे 11 बढ़े हैं, ये तो समझाने के लिए है, एग्जाम में कैसे करोगे। अतुल की पोजीशन 9 और अतुल की नई पोजीशन 20, अरे 11 बढ़ गए बीच में 10 हैं, नई पोजीशन पूछे 11 बढ़ गए, इसमें 11 बढ़ा दो, इसमें 11 बढ़ा दो, 35, खेल खत्म। बताओ मजा आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन बोले थे मैंने, मैंने आपको कहा था कि इंटरचेंज वाले में, इंटरचेंज वाले में यदि वो अपना स्थान बदल लें, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 नई पोजीशन, नंबर 2 बीच में कितने हैं, नंबर 3 टोटल स्टूडेंट्स। ठीक, देखो बीच, अब टोटल स्टूडेंट ध्यान से सुनना, टोटल स्टूडेंट कैसे निकालने हैं ध्यान से सुनो बच्चे, उस नंबर पे कॉल कर लेना यार, इनको फीस कितनी है, इंक्वायरी क्या, रैंकर्स गुरुकुल पूरा कंसेप्ट मैंने तो एक ब्रीफली 1 मिनट में बताया था यार, अब कंप्लीट यहां बताने लग जाऊंगा पढ़ाऊंगा क्या, इसलिए नंबर दे दिया, उस नंबर पे कॉल कर लेना रैंकर्स गुरुकुल के बारे में। ठीक है, उस पर पूरी डिटेल जान लो यार, पहले जानो तो सही, आकर के बच्चों से मिलो तो सही। सुनो बड़े प्यार से, हेमंत की पोजिशन 12 है, दीपक की पोजिशन 30 है, अभी एक एक्सीडेंट होगा, एक क्वेश्चन में देखना, हेमंत की पोजीशन 12 है, दीपक की पोजीशन 30 है, उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद हेमंत की पोजीशन 20 बन गई, हेमंत की पोजीशन 20 बन गई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए, हमें मालूम था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए मैंने बेसिक तरीका क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल, ये बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल, ये बताया था। ठीक है, अब
लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल कर दो 30 प्लस 20 माइनस एक। अब आपका दिमाग चलेगा कि सर आपने तो एक बंदे का लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बताया था, आपने तो एक बंदे का लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बताया था, ये दो बंदों का लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन क्यों ले लिया? बच्चे ये दो बंदों का लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन नहीं है, एक ही बंदे का लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन है। कैसे? सुनो ध्यान से, अभी थोड़ी देर में एक चीज समझाऊंगा, पहले ध्यान से सुन लो। देखो बच्चे ये पोजिशन किसकी है, किसकी है ये पोजीशन बताओ, हेमंत की है दीपक की, जल्दी कमेंट करो। ये पोजीशन किसकी है, इंटरचेंज करने के बाद ये पोजीशन किसकी है, हेमंत की या दीपक की? ये पोजीशन हेमंत की है इंटरचेंज करने के बाद, ये पोजीशन हेमंत की है इंटरचेंज करने के बाद, हेमंत की है ठीक है। ये पोजीशन किसकी है, ये दीपक की है हेमंत की है? ये पोजीशन किसकी है, दीपक की है हेमंत की है? कई कह रहे हैं दीपक की है, अरे भाई ये दीपक की थी, इंटरचेंज करने के बाद हेमंत की बन गई। अरे यार मैं आपकी जगह आ जाऊं, आप मेरी जगह आ जाओ, तो आपकी पोजीशन मेरी, मेरी पोजीशन आपकी, आपकी पोजीशन मेरी, मेरी पोजीशन आपकी, तो इंटरचेंज कर लिया, तो ये हेमंत की पोजीशन बन गई, ये हेमंत की पोजीशन बन गई, ये दीपक की बन गई। अब ये हेमंत की पोजीशन और ये भी हेमंत की पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, इसलिए याद रखना कि जो जो बंदा इंटरचेंज करे, जिस बंदे की दो पोजीशन दे रखी है, याद रखना जिस बंदे की दो पोजीशन दे रखी है, सब लाइक करते जाया करो, डेली 9:30 बजे लाइव आ जाया करो, लाइव जरूर आया करो। रीजनिंग गुरु की जय हो, थैंक यू, आपकी भी जय हो, और आते ही लाइक कर दिया करो ठीक। अब देखो ये सब लिखने की बजाय सीधा क्वेश्चन पे कैसे ध्यान देंगे, जो बंदा इंक्रीज कर रहा है, जो बंदा इंक्रीज कर रहा है हेमंत, जो बंदा इंक्रीज कर रहा है उस बंदे की, जो बंदा इंक्रीज कर रहा है उस बंदे की नई पोजीशन, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन माइनस एक, टोटल आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जो बंदा इंक्रीज कर रहा है उस बंदे की नई पोजीशन, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन माइनस एक। जो बंदा इंक्रीज कर रहा है उस बंदे की नई पोजीशन, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन, दूसरे की तो एक ही है, अरे गिवन तो दूसरे की एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अरे जो बंदा इंक्रीज कर रहा है उसकी नई पोजीशन है मेरे भाई, बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा बताई, मतलब बताऊं, बोलो समझ में आई, सच बताना, दिल से मजा आ रहा है तो आगे चलें, नहीं आ रहा तो भी चलूंगा। सर आपका पढ़ाया याद है, चलो कैलेंडर में एक डाउट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 जनवरी 2000 दिया मेरा, ये तो कैसे निकालेंगे प्लीज सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। डाउट के लिए भी आरजी विक्रम जी टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, भेजा करो उस पर डाउट। अरे डाउट से इतनी मोहब्बत है ना मुझे, क्योंकि मैंने रैंकर्स, अब ओके है एक बार बताना। अरे यार ये आज सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, और आज इतने बच्चे आए थे तो पता नहीं क्यों रिस्टार्ट हो रहा है, कल दिखाऊंगा इसको, जो भी है बट आज ही हुआ है, ये कभी हुआ भी नहीं। डेली 9:30 बजे मेरी क्लास चलती है ना, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट होता है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, अभी देखो फिर शेयर कर दिया, टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल नाम से है, ताकि आपको लिंक मिलता रहे। सब ओके है ना? हाँ तो सुनो, बीच में कितने हो निकालने के लिए, जिस बंदे की दो पोजीशन दे रखी है उस बंदे की नई पोजीशन, दूसरे की पुरानी पोजीशन माइनस एक। अब सुनो इसमें मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, बीच में अगर पूछ ले तो बताओ कौन पहले जवाब देगा, जवाब दो और लाइक करते जाओ। बीच में अगर पूछ ले तो बताओ, जल्दी से बताओ, बीच में अगर पूछ ले तो बीच में कितने छात्र हैं? अरे बीच में कितने छात्र हैं, 8 बढ़ गए, बीच में 7 हैं, 8 बढ़ गए, बीच में 7 हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ये जो समझा रहा हूं, 8 बढ़ गए, बीच में 7 हैं, बीच में कितने छात्र हैं, 8 बढ़ गए तो बीच में 7 हैं।
नई पोजीशन पूछ ले तो जल्दी जल्दी नई पोजीशन पूछ ले तो, नई पोजीशन, नई पोजीशन अगर पूछ ले तो, आठ बढ़ गए तो आप भी आठ बढ़ा दो, आठ बढ़ गए तो आप भी आठ बढ़ा दो, 30 और 8 38, आज 12 बजे तक बढ़ा दो। एक मैराथन लेकर के आ रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट की, सिटिंग अरेंजमेंट की मैराथन लेके आ रहा हूं संडे को सुबह 11 बजे, रेडी हो? बोलो यस और नो। संडे को सुबह 11 बजे मैराथन सिटिंग अरेंजमेंट की। बड़ा डर लगता है ना सिटिंग अरेंजमेंट से, सारा डर भगाऊंगा सुबह 11 बजे, ठीक। डेली 9:30 चलेगी चलेगी, संडे को मैराथन लेके आऊंगा, पूरे चैप्टर की एक ही क्लास, पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो, ठीक। चलो नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन, इस लाइन में कितने छात्र, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाक दे, पेन नहीं उठाना भाई, पेन नहीं उठाना, अभी एक गलती होगी आपसे, ध्यान रखना, अभी एक गलती होगी भाई, अरे ध्यान से रखना। चरण लागो गुरु जी, आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद। हाँ, लीप ईयर है तो मंथ कोड 0 होगा, बिल्कुल। टोटल 49, बेसिक टू एडवांस। हाँ अरे मेरी हर क्लास बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहती है, बिल्कुल। पहला आज की क्लास में देख लो ना, पहला क्वेश्चन कितना आराम से था, और अभी ये चैप्टर खत्म होगा ना तब देखियो, कतई खत्म, इतने खतरनाक क्वेश्चन करवाऊंगा। सुनो देखो, जो बंदा इंक्रीज कर रहा है उस पर ध्यान दो, कपिल पर ध्यान दो, टोटल पूछा है, कपिल पर ध्यान दो। कपिल की नई पोजीशन 37, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन 16 माइनस 1, बात बन गई। कपिल की नई पोजीशन 37, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन 16 माइनस 1, खेल खत्म, आंसर 52। बताओ पेन उठाया नहीं, ये तो मैंने समझाया, आपने थोड़ी ना उठाया। बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं, बीच में कितने हैं, जल्दी बताओ बीच में। अरे 28 से, कपिल पे ध्यान दो, कपिल पे ध्यान दो, कपिल की दो पोजीशन है, कपिल पे ध्यान दो। 28 से 37 हो गई, 28 से एक क्वेश्चन का जवाब 52, टोटल बिटवीन, बिटवीन बीच में कितने हैं, बिटवीन 28 से 37 हो गई भाई, 28 से 37 हो गई, 9 बढ़ गए तो बीच में कितने हैं, 8। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, नई पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन का जवाब कौन फटाक दे देगा, न्यू पोजीशन, नई पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, 9 बढ़ गए आप भी 9 बढ़ा दो, अरे 9 बढ़ गए आप भी 9 बढ़ा दो, 9 बढ़ गए आप भी 9 बढ़ा दो, 25, खेल खत्म। बोलो क्लियर, हां सुबह 11 बजे रेडी हो या नहीं, या फिर अपने अपनी टाइमिंग बताओ। टेलीग्राम पे पोल करूंगा। दूसरी चीज ये, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, ये जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, देखो ये लाइव चैट चली जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन आता है, उस कमेंट सेक्शन में अपनी टाइमिंग लिख देना, सारे बच्चे किस टाइमिंग में मैराथन चाह रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे लिंक पहले ही शेयर कर दूंगा, और चैप्टर लिख देना, इस चैप्टर की चाह रहे हैं, अलग अलग संडे करके पूरे चैप्टर की एक ही क्लास, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। हाँ पूरे, अभी तो कमेंट चले जाएंगे, बाद में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना, ठीक। जैसे क्लास खत्म हो जाए कमेंट सेक्शन में जाना, अपना चैप्टर और टाइमिंग, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब देखो गलती क्या होती है, अब ध्यान से सुनना, यहां हर बच्चे का एक्सीडेंट होगा। मैंने बड़ी स्पीड से पकड़वाया ना, बड़ी स्पीड से पकड़वाया, बड़ी स्पीड से क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है ये सिखाया, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट होता है, जब बाइक स्पीड पे चलाते हैं तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन ब्रेकर पे एक्सीडेंट होगा या मोड़ पे एक्सीडेंट होगा, वो मोड़ क्या आएगा, संभल के चलना, सुनो ध्यान से, वो मोड़ क्या आएगा, ध्यान से सुनो क्या है मोड़। अंकित जो है लेफ्ट से गिवन है, इंटरचेंज करने के बाद राइट से कैसे बन गया, अंकित जो है बाएं से गिवन है, इंटरचेंज करने के बाद अंकित दाएं से कैसे बन गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें जो पोजीशन लेफ्ट से थी वो लेफ्ट से ही रही, जो पोजीशन राइट से थी वो राइट से ही रही, देख लो, दिखा देता हूं, इंटरचेंज के जितने भी क्वेश्चन बने हैं देख लो, जब भी इंटरचेंज शुरू हुआ, ये लो पहला क्वेश्चन, कार्तिक जो है, दीपक दे रखा है इसमें, इससे भी पहले एक मिनट, इंटरचेंज का पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा,
येलो। कृष्ण जो है, कृष्ण देखो लेफ्ट से था और लेफ्ट से था, कृष्ण लेफ्ट से था और लेफ्ट से था, क्वेश्चन सही था। अगले क्वेश्चन में देख लो, डिंपल जो है, डिंपल इंटरचेंज करने से पहले भी राइट से थी और बाद में भी राइट से थी, डिंपल पहले भी दाएं से थी और बाद में भी दाएं से थी, है ना। अगले क्वेश्चन में देख लो, अगले क्वेश्चन में इंटरचेंज करने से पहले भी दीपक राइट से था और बाद में भी दीपक राइट से था, पहले भी दीपक दाएं से था और बाद में भी दीपक दाएं से था। अगले क्वेश्चन में देख लो, यानी कि ये समझाना चाह रहा हूं, अब होगा क्या ये समझाना चाह रहा हूं, सुनो। इंटरचेंज करने से पहले भी अतुल जो है लेफ्ट से था, बाद में भी लेफ्ट से था, इंटरचेंज करने से पहले भी अतुल बाएं से था और बाद में भी बाएं से था, यानी कि क्वेश्चन सही चल रहा था, सारे क्वेश्चन में यही था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अंकित जो है इंटरचेंज करने से पहले लेफ्ट और बाद में राइट। अगर ऐसा हो जाए तो हर क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नई पोजिशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बीच में कितने हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। टोटल कितने हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं बता सकते मेरे भाई, नहीं बता सकते। अभी भी पेन नहीं उठाना, जैसे ये देखा अरे अंकित लेफ्ट से, अरे अंकित राइट से, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बल्ले बल्ले मजा आ गया। डेली 9:30 रात को बड़ा मजा आएगा पढ़ा करके, और डेली अगर आप लाइव रहे ना, रहोगे या नहीं, मजा आ गया। अब इसका देखो, इसका आंसर बताओ, रहोगे तो थम्सअप दे दो। यस, सीएनडी क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन है भाई सीएनडी। अरे यार, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है सीएनडी, नहीं बता सकते। क्वेश्चन गलत है, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े गलत हैं, डेटा रोंग है, क्वेश्चन गलत है, डेटा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं बता सकते। मिनिमम मैक्सिमम की बड़ी अच्छी ट्रिक जनरेट किया गोपाल शर्मा। मैंने कहा ना, कोरोना काल के दौरान आप पढ़े ना पढ़े, मैं बहुत पढ़ा हूं, और इतना पढ़ा हूं जितना मैंने अपनी जिंदगी में 8 साल में पढ़ाया है, उससे ज्यादा पिछले 1 साल में मैंने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल के दौरान बहुत सारी मेरी मेरा ही कंटेंट मैंने अपग्रेड किया, नए से नए ट्रिक जनरेट करने की कोशिश की। बताओ इसका जवाब, इसका जवाब कांट से भी एक ही बात है भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखो, जो बंदा इंटरचेंज कर रहा है उस पर ध्यान दो भाई, दिम संदीप पर ध्यान देंगे, संदीप पर ध्यान देंगे, संदीप का लेफ्ट, संदीप का राइट कैसे बन गया, संदीप का बायां, संदीप का दायां कैसे बन गया, आंसर गया कैन नॉट बी डिटरमाइन। कुछ भी पूछे, मैंने पढ़ा ही नहीं पूछा, क्या है क्या पूछा, मैंने पढ़ा ही नहीं, बीच में कितने पढ़ा ही नहीं, नहीं पूछे ने पढ़ा ही नहीं, टोटल पूछे ने पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, अगले क्वेश्चन का जवाब दो, बोलो जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं भाई, 1 सेकंड में पलक झपकते आंसर आना चाहिए भाई, टाइम लगाना है ना, तो कहीं और ही पढ़ रहे हो आप। देखो, कौन इंटरचेंज कर रहा है, अतुल, अतुल पे ध्यान देंगे, अतुल राइट, अतुल लेफ्ट, अतुल का लेफ्ट, अतुल का राइट कैसे बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, खत्म कहानी। बोलो मजा आया कि नहीं आया, और क्या हाल है आप लोगों के, थोड़ी बहुत बातें कर लो, है मजा आ रहा है, फेक आईडी से अच्छे से बातें चल रही है, कोई ना बेटा कर लो, 6 महीने बाद पता चलेगा वो कोई और था, है ना, और अगर वो कोई और थी भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो पढ़ लेगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर गाड़ी का शीशा उतार के, सिलेक्शन के बाद गाड़ी का शीशा उतार के आपसे पूछेगी अभी भी कोचिंग ले रहा है। चलो ठीक है, लो मजे, है ना भाई, ढंग से पढ़ो, बड़े अच्छे से पढ़ो, बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ो। 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ए जो बहुत पढ़ते हैं, बी जो थोड़े थोड़े पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते, सी जो पढ़ते ही नहीं है।
देखो सबसे अच्छे बच्चे वो जो बहुत पढ़ते हैं, दूसरे नंबर के वो जो नहीं पढ़ते। ये कैसे? क्योंकि जो पढ़ते भी हैं नहीं भी पढ़ते, पढ़ते भी हैं नहीं भी पढ़ते, पढ़ते भी हैं नहीं भी पढ़ते, तो ना तो वो पढ़ रहे हो ना वो मजे ले रहे हैं। कम से कम जो नहीं पढ़ते वो मजे तो ले रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन इनका भी नहीं होना और सिलेक्शन इनका भी नहीं होना। कम पढ़ने से अच्छा है ना पढ़ो या फिर ज्यादा पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो और अच्छे टीचर से पढ़ो और स्पेशल पढ़ो, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, बढ़िया प्लानिंग करो। प्लानिंग नहीं करनी आती मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा प्लानिंग। नहीं बताऊं मिलो मेरे से, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, पेड बैच में आरजी विक्रमित एप्लीकेशन, हर बच्चे को मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं। मुखर्जी नगर आकर के मिल लो, बत्रा सिनेमा हॉल के सामने मेरा ऑफिस है, फोन पे बात कर लो। नहीं उठा पाता व्हाट्सएप कर दो, नहीं रिप्लाई आता दोबारा कर दो, मैं पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं। टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो आरजी विक्रमजीत, मैं पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हो सिलेक्शन लेने के लिए? क्या आप तैयार हो डेडिकेशन से पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हो रैंकर्स गुरुकुल में आने के लिए या फिर रैंकर्स गुरुकुल को घर पे फॉलो करने के लिए? रैंकर्स गुरुकुल का पूरा शेड्यूल आप घर पे फॉलो करो ना, दम है तो, नहीं दम है नहीं है तो रैंकर्स गुरुकुल में आओ। और वहां भी नहीं आ सकते, घर पे भी फॉलो नहीं कर सकते, मेहनत कर ही नहीं सकते, छोड़ो फिर मजे लो बड़े जबरदस्त तरीके से। बताओ इसका। नहीं, ये टाइप चेंज हो गई, इंटरचेंज बदल गया, इंटरचेंज बदल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कल 9:30 बजे करेंगे। अब ये वीडियो खत्म होगी, अब ध्यान से सुनना, ये वीडियो खत्म होगी, एक तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना कल रात को 9:30 बजे, ठीक है। दूसरा कमेंट में बता देना मैराथन किस टाइम लेनी है, पूरा चैप्टर एक ही क्लास में, बड़े बेसिक से बहुत अपर लेवल तक पूरा चैप्टर किस टाइम लेनी है। हालांकि मैंने 11 बजे अनाउंस किया, फिर भी ज्यादा कमेंट जिसके रहेंगे वो प्रेफरेंस दूंगा। दूसरा चैप्टर कौन सा लेना है, ठीक है। मिलते हैं कल 9:30 बजे, और 7 बजे आदित्य सर की क्लास होती है। और रैंकर्स गुरुकुल के बारे में फीस वगैरह जो पूछ रहा था वो एक बार कॉल कर लेना इस नंबर पे, ठीक है। पूरी डिटेल जान लेना, आकर के रैंकर्स गुरुकुल के बच्चों से मिल लेना, एक बार देख लेना कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, ओम साई राम। मतलब मोहित के लेफ्ट में साथ बैठे हैं। देखो बच्चे, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है, मोहित के लेफ्ट में 7 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक। अंकित राहुल दाएं से 11वें नंबर पे है, राहुल दाएं से 11वें नंबर पे है, मतलब राहुल के दाएं 10 स्टूडेंट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मोहित बाएं से 8वें नंबर पे है, मतलब मोहित के बाएं 7 स्टूडेंट है। राहुल दाएं से 11वें नंबर पे है, राहुल के दाएं 10 स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद अंकित इज 6 पोजिशन राइट ऑफ मोहित, अंकित मोहित के 6 स्थान दाएं तरफ है, मोहित के राइट में है, मोहित के राइट में, अंकित मोहित के 6 स्थान राइट में है, मोहित के राइट में है 6 स्थान, मतलब बीच में 5 है, मोहित के राइट में मतलब बीच में 5 है। दोबारा सुनो सर, मैं आपसे 2018 में जुड़ा था पैरामाउंट से, सर मेरे 535 थे, मेरी क्या गलती थी जो मेरा 18 को एग्जाम पड़ा? सही कह रहे हो ललित त्यागी, सही कह रहे हो, आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन जिनका 18 को पेपर हुआ, उनकी क्या गलती थी कि उनका 18 को एग्जाम हुआ, 535 नंबर लेने के बाद भी, 600 में से 535 नंबर लेने के बाद भी, उनकी क्या गलती, क्यों क्यों इतना खत्म पेपर बनाया? अरे टफ बना लो ना, बढ़िया पेपर बनाते, पेपर बनाना नहीं आता तो पेपर लेना ही छोड़ दो। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, 4 महीने में तुम लोगों को कैंडिडेट्स, बेरोजगारों के पेपर तो लिए नहीं जाते, फिर भी स्पोर्ट। समझ नहीं आया 2017 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, मैं क्यों इतना अगेंस्ट बोल रहा हूं, 2017 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन 19 में समझ में कहां आया? जितना आप गवर्नमेंट सरकार को देना था 19 में, और ज्यादा गवर्नमेंट दे दिया आप लोगों ने, आपके पास एक मौका था 2019 का वोट देने का, फिर से सपोर्ट करके बहुत बड़ा घमंड दे दिया। समझ नहीं आया 2017 का वो प्रोटेस्ट का 1% भी इफेक्ट पड़ा हो तो इलेक्शन पे, और आज कितनी आवाज उठा लो 2024 में, आप इफेक्ट तो नहीं ना डालोगे।
आपको इन चीजों से आपको पता नहीं फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? सबसे ज्यादा युवा आज तैयारी कर रहा है एसएससी की। 2.5 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं एनटीपीसी के, फॉर्म भरे हैं, इसका मतलब वो तैयारी कर रहा है, लेकिन वो फिर भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। 4 महीने में पेपर हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं हो रहा। वो वोट उसी सरकार को देनी है। और कई लोग तो कमेंट कर देते हैं, बताओ तो फिर किस सरकार को लेके आए, अरे इससे बुरी क्या हो गए। और आ जाओ सुनो, मोहित बाएं से 8वें नंबर पे, मतलब मोहित के लेफ्ट में 7 है, राहुल दाएं से 11वें नंबर पे, मतलब राहुल के दाएं 10 स्टूडेंट है। उसके बाद अंकित जो है मोहित के 5 6 स्थान दाएं तरफ है, 6 स्थान राइट में, मतलब बीच में 5 है। यहां 5 है तो यहां भी 5 है, अगर यहां 5 है तो यहां पर भी 5 है, यहां अगर 5 है तो यहां पर भी 5 है। ठीक, टोटल गिन लो भाई। एक और तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लो, 7 और 1 8। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे कि 7 क्यों लिखा, 8वीं पोजीशन लिखी है। अरे भाई मैं यहां से दूसरे नंबर पे, तो मेरे साइड एक छात्र बैठे है, मैं यहां से 5वें नंबर पे, तो मेरे साइड 4 छात्र बैठे, मैं यहां से 11वें नंबर पे, तो मेरे साइड 10 छात्र है, मैं यहां से 50वें नंबर पे, मेरे साइड 49 छात्र है। मोहित बाएं से 8वें नंबर पे है तो मोहित के 7 स्टूडेंट है, राहुल से 11वें नंबर पे है तो 10 स्टूडेंट है। 5 यहां पर बैठे हैं तो 5 यहां पर बैठे हैं। बच्चे सोच रहे हैं ये कैसे आया, बच्चे 5 यहां पर बैठे हैं तो 5 यहां पर बैठे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन दे रखा बच्चे, बिल्कुल बीच में दे रखा है, बिल्कुल बीच में दे रखा है, एग्जैक्टली बिटवीन दे रखा है। तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, और 5 19, और 1 20 और 10 22। एग्जैक्टली बिटवीन का एक और तरीका सुनो भाई, एग्जैक्टली बिटवीन का एक और तरीका सुनो। मोहित 22 से 8वें नंबर पे ना, मतलब 8 छात्र है, टोटल तो 8 ही हुए ना, वही 22 से 8वें नंबर पे तो 8, राहुल दाएं से 11वें नंबर पे मतलब 11, राहुल दाएं से 11वें नंबर पे मतलब 11। ठीक, उसके बाद अंकित 6 पोजीशन लेफ्ट में है और 6 पोजीशन राइट में भी है। अब आप कहोगे सर राइट में कहां दे रखा, 6 पोजीशन राइट में है, 6 पोजीशन लेफ्ट में भी है, इसलिए दे रखा बच्चे। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब ये होता है, एग्जैक्टली बिटवीन का लेफ्ट में है तो राइट में भी है, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब ये में है तो 6 राइट में भी है। -1 लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक होता है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक होता है। 11 और 8 19 और 6 25, एक सेकेंड वो मिट गया भाई, देखो 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31 में से गए 30, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 1 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 10 30, 30 आंसर था ये। ठीक, 30 क्लियर। दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं, हेलो फेसबुक वाले बच्चे सारे यूट्यूब पे आ जाओ, फेसबुक वाले बच्चे यूट्यूब पे आ जाओ, फेसबुक के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, डेली रात को 9:30 बजे क्लास होती है, आते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो अगला क्वेश्चन करो, एग्जैक्टली बिटवीन का ही है, एग्जैक्टली बिटवीन का ही है, एग्जैक्टली बिटवीन, वो तीसी तो है बच्चे, तीसी तो है, तीसी तो लिखा था, आज कट ऑफ की वजह से मूड ऑफ और रखा था थोड़ा। देखो अमित लेफ्ट से 10 दे रखा है, राइट से 13 दे रखा है, 9 पोजीशन लेफ्ट में दे रखी है, बस एक चीज का ध्यान रखना, लेफ्ट से 10 दे रखा है, राइट से 13 दे रखा है, 9 पोजीशन लेफ्ट में दे रखा है, बस एक चीज का ध्यान रखना, 9 लेफ्ट में है तो 9 राइट में भी है, 9 लेफ्ट में भी है तो है, 9 राइट में भी है, अगर 9 लेफ्ट में है तो 9 राइट में भी है। लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो होता ही है भाई, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो होता ही है, बस ये 2 बार 9 क्यों लिखा, 2 बार 9 इसलिए लिखा कि टोटल एग्जैक्टली बिटवीन दे रखा है, एग्जैक्टली बिटवीन दे रखा है,
बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन दे रखा है, बिल्कुल बीच में है, दो बार इसलिए लिखा। क्लियर हुआ? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, 10 प्लस 13 23, 10 प्लस 13 23 और 23 और 9 9 18 में से गए 17, 23 और 17 40। बिल्कुल सही आंसर, सबका सही जवाब 40, सबका सही जवाब 40। क्लियर है? देखो एग्जैक्टली बिटवीन का सवाल आ जाए, अगर एग्जैक्टली बिटवीन का सवाल आ जाए, एग्जैक्टली बिटवीन दे रखा हो, बिल्कुल बीच में दे रखा हो, बिल्कुल बीच में दे रखा हो, तो बंदे की पहली पोजीशन, एक बंदे की पोजीशन, ठीक है, दूसरे बंदे की पोजीशन पी वन पी टू लिख देता हूं, एक बंदे की पोजीशन, दूसरे बंदे की पोजीशन, उसके बाद जो बीच की पोजीशन दे रखी है, जो बीच की पोजीशन दे रखी है, बिटवीन दोनों के बीच की पोजीशन दे रखी है, वो दो बार ऐड होगा। जो बीच की पोजीशन दे रखी है, बिटवीन की पोजीशन है -1, ठीक, ये काम करना ही करना है, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक। अब इसका देखो एक बार, करने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करो भाई। सर इतनी ज्यादा कट ऑफ तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा बच्चे, सिलेक्शन मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही होगा। 18 तारीख का पेपर इतना खत्म होने की वजह से कट ऑफ इतनी ज्यादा, और साथ में सबसे ज्यादा बात कट ऑफ की नहीं होती यार, जब सबके ही मार्क्स अगर ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ ज्यादा चली जाए, बात है 18 का इतना आसान देने की। एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट 18 को बैठ जाए, 18 का इतना आसान पेपर, तब भी वो 200 लेगा, ठीक, और वो 16 को बैठ जाता, इंटेलिजेंट तो था ही, तब भी वो 200 लेता। 16 में नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ते और 18 में कम हुए, उसकी किस्मत, किस्मत नहीं, इस एसएससी ने ऐसा काम कर दिया, पेपर बनाने आते नहीं। हाँ बिल्कुल ले त्यागी, टेंशन ना लो, सारे सारे टीचर साथ हैं, टेंशन ना लो। जब भी बात स्टूडेंट्स पे आती है ना, सारे टीचर्स एक हो जाते हैं, लेकिन आप इस चीज की कभी कदर नहीं करते। 2017 में इतने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट किया मैंने, क्यों बोला आप इस चीज की कदर नहीं करते, सॉरी टू से ये बात बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस चीज की कदर इसलिए नहीं करते, क्योंकि 2017 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतने हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों के लिए आवाज उठाई, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2017 की चीजें अब तक चल रही है, 18 की फिर पेंडिंग है, 19 की फिर पेंडिंग, सुधार तो नहीं हुआ ना यार। 21 आ चुका, 17 से लड़ाई लड़ रहे हैं, इवन 13 से लड़ाई लड़ रहे हैं, सही बात करता है तो सुधार नहीं हुआ, सरकारें बदल गई, दो सरकार मोदी सरकार के आ चुकी, और 24 में फिर वोट दे देना। आप इसलिए बोल रहा हूं कदर, इस टाइप की हर वीडियोज को शेयर करो, मीडिया को और सर इनको तो बॉयकट करो बिल्कुल, हर वीडियो को डिसलाइक, कमेंट ऑफ करने, चैनल बंद करने पे मजबूर हो जाए। और युवा हो आप लोग, चलो देखो, अतुल 9th है, बॉटम से 9th है, गगन 6 रैंक अहेड है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अतुल नीचे से 9वीं पोजीशन पे है, अतुल नीचे से 9वीं पोजीशन पे है, 6 रैंक आगे है गगन। देखो आप अपनी रैंक कॉलेज लाइफ में कैसे देखते थे, ऑब्वियसली नीचे से, ऊपर तो मिले होगे नहीं, नीचे से ही देखते थे, याद करो अपनी कॉलेज लाइफ, तो आप अपनी रैंक देख रहे हो नीचे से 9वें नंबर पे, फिर आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो, दोस्त ऑब्वियसली आपसे ऊपर ही मिलता था, अहेड का मतलब उसकी रैंक अच्छी है, वो आगे है, उसकी रैंक बढ़िया है, उसकी रैंक अच्छी है और उसकी रैंक आगे है, और उसकी रैंक आगे है तो गगन की नीचे से रैंक कितनी होगी, 15। बात बन गई, जैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल होता था, ऐसे टॉप प्लस बॉटम माइनस वन,
टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, जैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इजिकल टू टोटल होता था, ऐसे टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। टॉप से हमें पता करनी है, बॉटम से 15 पता है, माइनस एक इजिकल टू टोटल। टोटल कितना है 54 इजिकल टू टोटल, टोटल कितना है 54 इजिकल टू 54, तो टॉप की पोजिशन आ जाएगी। 54 में से 14 माइनस कर दो 40। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस और नो। राम राम भाई, राम राम। ठीक, नीचे से फर्स्ट लवी। अरे नीचे से फर्स्ट नहीं भाई, ऊपर से भी फर्स्ट आएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, क्लियर है या नहीं बताओ जल्दी से। क्लियर है? देखो, जब टॉप और बॉटम का ऐसा आ जाए, जब आपको टॉप और बॉटम का इस तरीके से निकालना पड़े, एक सेकेंड, देखो जब आपको टॉप और बॉटम का इस तरीके से निकालना पड़े, बॉटम से दे रखी है वो उससे आगे है। एक चीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उससे आगे है या फिर वो उससे नीचे है, वो उससे आगे है या वो उससे नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलता कि गगन 6 रैंक नीचे है, गगन 6 रैंक नीचे है, तो 9 में से 6 माइनस करते। अगर वो बोल रहा है गगन 6 रैंक आगे है तो प्लस करेंगे, 9 और 6 15 टोटल आंसर। उसके बाद तो जैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ऐसे टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ठीक है, डन। और बच्चे ये 22 तारीख से मेरा बैच आ रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आरजी विक्रमजीत, ये एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत। ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है। ठीक, ऐप प्ले स्टोर पर जाओगे, आरजी विक्रमजीत डाउनलोड करोगे। ठीक है, अभी फीस बहुत कम है, अभी सिर्फ 1500 फीस है भाई। ठीक है, फीस मेरी 2000-2500 ये रहती है, अभी सिर्फ 1500 फीस है। ठीक है, फीस बहुत कम है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप कॉम्बो बैच, लेकिन कॉम्बो बैच लिमिटेड टाइम के लिए है, कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हो। और आदित्य सर का भी बैच आ रहा है, और आदित्य सर का बैच जो है वो बहुत कम टाइम में के लिए बहुत कम फीस का रखी है। आदित्य सर का जो बैच है वो एक बार मैं बता देता हूं, जिसमें बहुत डिटेल में मैथ्स की चीजें होंगी, मैथ्स की चीजें बहुत डिटेल में होंगी, तो इसके लिए भी आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। आदित्य सर का बैच लेने के लिए एआर लाइव का कोड यूज कर लेना। ये बैच जो है इसकी फीस भी 1500 है, लेकिन ये बैच 999 हो जाएगा इस कोड के बाद। डिस्काउंट कूपन कोड में एआर लाइव टाइप कर देना। इस मैथ्स के बैच में बहुत डिटेल में चीजें होंगी बच्चे, इस मैथ्स के बैच में इतनी बढ़िया डिटेल में मैथ्स पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है। लेकिन ये एआर लाइव पहले 100 स्टूडेंट के लिए है, और 100 स्टूडेंट के लिए है, बहुत कम बच्चे बचे हुए हैं एनरोल करने के लिए। मतलब उसके बाद ये फिर आपको फीस 1500 ही देनी पड़ेगी, या फिर दोनों का बैच अगर आप ले सकते हो, दोनों का बैच भी ले सकते हो, तो कॉम्बो बैच जो है वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का। शिक्षा की नगरी कोटा से, चलो नरेश मालव, बहुत बढ़िया भाई। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं, व्हाट्सएप नंबर ये है भाई, लो सुनो, आ जाओ भाई। अंकित जो है 24th फ्रॉम बॉटम, गोपाल 8th रैंक बिलो है, अब की बार बिलो है, सब कुछ बिलो है, सरकार भी बिलो है, सिस्टम भी बिलो है, एसएससी भी बिलो है, आल तो इतना गुस्सा आ रहा है ना। ठीक है, तो दे दो, सिंपल सी बात है। देखो अंकित जो है बॉटम से 24th है, अंकित बॉटम से 24th है, उसके बाद गोपाल की रैंक 8 रैंक नीचे है, गोपाल की रैंक 8 रैंक नीचे है, 24 में से 8 गए, 24 में से 8 गए 16। अब अगर किसी ने बोल दिया ना, कमेंट अगर कर दिया ना, अब की बार मोदी सरकार, मैं घर आकर के थप्पड़ मारूंगा उसके। सुनो, 24 में से 8 गए 16। देखो
24 में से 8 गए, 16, ये बिलो दे रखा है। अहेड दिया होता तो ऐड होता, अहेड दिया होता तो ऐड होता, तो आगे दिया होता तो ऐड होता। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो वही टॉप प्लस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल 45, तो टॉप का आ जाएगा कितना 30, खत्म कहानी। बोलो टॉप और बॉटम का आया कि नहीं आया। 29 कैसे कर रहे हो अंशु, गलती कर रहे हो बच्चे। टॉप प्लस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 45 मेरे बच्चे, 16 माइनस 1 तो इस तरफ 15 माइनस होगा। ये माइनस 1 को क्यों भूल जाते हो यार, ऐसी गलती क्यों करते हो आप लोग? ठीक है, चलो डन भाई, क्लियर। नेक्स्ट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बच्चे, रैंकर्स गुरुकुल। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कल की क्लास की पीडीएफ नहीं दी थी मैंने, क्योंकि ये पीडीएफ कंप्लीट नहीं हुई थी, इस वजह से आज कंप्लीट हो जाएगी तो आज मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन ना लो। देखो सिंपल सा फंडा है, अमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, गोपाल इज 11th फ्रॉम राइट। अमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, गोपाल इज 11th फ्रॉम राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम इफ द टोटल नंबर इज 46। अब देखो बीच में पूछा है, बीच में कितने हैं, टोटल दे रखा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार और समझाऊं। ले भाई सीवी, एक बार और समझ ले। देख बच्चे, अंकित नीचे से 24वें नंबर पे दे रखा था, गोपाल जो है 8 रैंक नीचे है, गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे है। भाई आप नीचे से 24वें नंबर पे हो, गोपाल आपसे 8 रैंक नीचे है, तो 8 माइनस होगा ना। गोपाल आपसे आगे होता तो 8 प्लस होता, तो 8 माइनस होगा, तो 24 में से 8 गए 16। उसके बाद तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, जैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल होता था, ऐसे टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। क्लियर, डन। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, यहां देखो अमित जो है लेफ्ट से 25वें नंबर पे दे रखा है, मतलब 24। ठीक, अमित लेफ्ट से 25वें नंबर पे दे रखा है, मतलब बीच में 24, तो प्रैक्टिकल बीच में लेफ्ट में 24, अमित 25वें नंबर पे दे रखा है, गोपाल 11वें नंबर पे दे रखा है, अमित 25वें नंबर पे दे रखा है, गोपाल 11वें नंबर पे दे रखा है। 25 और 11 कितना हो गया, 25 और 11 तो टोटल कर दो 36, गिवन टोटल कितना है 40। अब बताओ भाई 40 बच्चों में हमें 36 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो कितने दिखाई नहीं दे रहे, 10, तो बीच में 10 है। लेकिन 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 एक और पार्ट आएगा, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए। ये जो गिवन टोटल ना बच्चे 40, ये जो गिवन टोटल है 40, ये अपने टोटल 36 से कम रह जाए, अगर गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, अगर लिख लेना ये लाइन, अगर गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो क्या करेंगे। देखो इसमें तो गिवन टोटल अपने टोटल से कम नहीं रहे, तो इसमें तो डायरेक्ट 25 ऐड किया, फिर 11 ऐड किया, 25 और 11 36, गिवन टोटल 40 और 40 में से 36 गए 10, बीच में 10 आए। लेकिन अगर कम हो जाता तो क्या करते, मैं तो वहां तरीका बताऊंगा ना जहां ट्रिक यूज होगी। ये तो बच्चा भी बता देगा 12 और 18 कितने हो गए, 12 और 18 कितने हो गए 30, गिवन टोटल कितना है 45, में से 30 गए 15, 45 में से 30 गए 15। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। लेकिन लेकिन गिवन टोटल अपने टोटल से अगर कम रह जाए, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं। क्लियर है तो भाई बता दो, थम्स अप कर दो फटाक दे, क्लियर है। डेली रात को 9:30 बजे एक तो लाइव रहा करो, दूसरा यार कल की क्लास के बाद मैंने कुछ पूछा था, उसका कमेंट नहीं किया आप लोगों ने। कल की क्लास के बाद मैंने कहा था
कि कमेंट करके बताना, कमेंट किया ही नहीं आप लोगों ने। आज वीडियो खत्म होने के बाद कल की क्लास देखना और फिर उस बात का जवाब देना, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट देखो, जो मैं समझाना चाह रहा था, 11 प्लस 19 कितना हो गया 30, 11 प्लस 19 कितना हो गया 30, गिवन टोटल क्या है भाई 25। सर मैंने तो कमेंट कर दिया, चलो बहुत बढ़िया आकाश कुंडो, बाकी बच्चे भी कमेंट कर देना कल वाली क्लास में और क्लास को शेयर कर दिया रो भाई, ठीक? सुनो, अब गिवन टोटल कितना है 25, अपने टोटल 30 से कम रह गया। अब सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल है, 25 छात्रों की लाइन में 30 बैठे हैं, 25 छात्रों की लाइन में 30 बैठे हैं। सर जी आप किस किस चैनल पर घूम रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आता, खोजना पड़ता है। मेरी खुद की चैनल तो यही है भाई, मेरी खुद की चैनल तो शुरुआत से एक ही है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन रैंकर्स गुरुकुल नाम से, ठीक है? अब रैंकर्स गुरुकुल में भी ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ ना यार, दो सेम लेवल के बच्चे सबके नंबर, हालांकि रैंकर्स गुरुकुल में 550 560 570 नंबर आए हैं 600 में से, लेकिन दो सेम लेवल के बच्चे और एक बच्चे के का पेपर 18 को और एक बच्चे का 16 को, 18 वाला परेशान कि मेरा टफ क्यों नहीं आया। जिंदगी में पहली बार ऐसा सुनने को मिलेगा कि कोई बच्चा इसलिए परेशान है कि मेरा पेपर टफ क्यों नहीं दे रहे। यार डिमांड होती है कि पेपर इतना खतरनाक बन गया, पेपर इजी क्यों नहीं बना रही है, और पहली बार एसएससी की डिमांड हो रही है। दुनिया के हर एग्जाम में शायद इसी यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां डिमांड हो रही है, भाई पेपर थोड़ा ठीक बना लो, अच्छा बना लो, ढंग का बना लो, मेंस ले रहे हो, मेंस का मतलब ये प्री से भी खत्म, ठीक? चलो देख, बताओ ये उतार लो अच्छे से, हेलो हेलो हेलो, आवाज आवाज आ रही है अब? अरे ये माइक निकल गया था, अब आवाज आ रही है। कृतिका का क्या होगा सर जी, कृतिका का क्या होगा, अब क्या बताएं क्या होगा, हमारा तो जो होना था वो हो गया। खैर कृतिका का भी जो होना था वो हो गया, उसकी शादी हो गई, आपको बताया तो था, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक आ जाओ, देखो भाई, हाँ तो सुनो, मैं ये कह रहा था ये दो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये दो बंदे रौनक और अमर ये दो बार काउंट हो गए, ये दो बंदे दो बार काउंट हो गए, रौनक और अमर ये दो बार काउंट हो गए, इसलिए ओवरलैप हो गया। मैंने कहा था ना गिवन टोटल
अपने टोटल से कम रह जाए, नोट डाउन कर लेना, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो दो बंदों का ओवरलैप है। देखो जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम नहीं था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो दो माइनस कर देना क्योंकि ओवरलैप है। ठीक, डन। आप इधर वो इधर, हाँ भाई हम इधर वो उधर, हम भी खुश रहो वो भी खुश। अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं हर कोई बेवफा होता, तो इसलिए जिंदगी में हर पल खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी हो गई तो। आ जाओ नेक्स्ट बताओ, इसमें बताओ भाई। अरे नहीं भाई नहीं, माई जोन, ठीक है वो कोई ठीक है, किसी को किसी से लिंक मत करो, मैं मजाक करता रहता हूं। ठीक है आ जाओ, कामयाबी इतनी लो इतनी लो इतनी लो, इतनी कामयाबी लो कि आपकी उससे शादी ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हस्बैंड पैर छू के जाए, इतनी कामयाबी लो। ठीक आ जाओ, राहुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, अमित इज 28th फ्रॉम राइट। 18 प्लस 28 कितना हो गया, 18 प्लस 28 40, और गिवन टोटल 40 है, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो दो माइनस कर देना ओवरलैप है, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ओवरलैप है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो दो माइनस कर देना, क्लियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इसका बताओ तो, अगर समझ में आ गया तो। बिटवीन ढूंढना हो और गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, ढूंढो भाई गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जल्दी ढूंढो। देखो भाई प्रीति 16वें नंबर पे है भाई, अरे मोनू 34वें नंबर पे है भाई, टोटल कितना हो गया, ये क्या हो गया, टोटल कितना हो गया 34 और 16 50, और गिवन टोटल कितना है भाई 42, तो 8 दो माइनस कर दो भाई 6, खेल खत्म भाई। बोलो मजा आया कि नहीं आया, सच्चे दिल से बताना मजा आया कि नहीं आया, नहीं मजा आया तो दोबारा समझा दूंगा, पर मजा आना चाहिए, मेरी क्लास में मजा आना चाहिए, मजे से पढ़ो, बड़े दिल खोल के ट्रिक सीखो, रीजनिंग विदाउट पेन सिखानी है आपको, पेन नहीं उठाना। मैं आपकी जगह होता तो कैसे करता, अरे 16 34 50 गिवन टोटल 42 8 ओवरलैप का केस है माइनस दो। बोलो मजा आया कि नहीं आया, मेरी क्लास में पढ़ने का मतलब है कि आप विदाउट पेन सोल्व करो। मोहित अत्री मोंटी जो फेसबुक पे देख रहे हैं यार, वो यूट्यूब पे आ जाओ, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक। और यार आप लोगों ने ईमानदारी से बताना, सच्चे दिल से बताना, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया आपने, ग्रुप्स में शेयर किया, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो बहुत सारे, मेरे ग्रुप में कभी शेयर नहीं करते आप, मेरे ही ग्रुप में शेयर नहीं करते तो किसी और के ग्रुप में तो कैसे शेयर करोगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। गुस्सा करना पड़ता है, सर एक बार यार प्यार वाली लाइन सुना दो, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलो सुनाएंगे यार प्यार वाली भी लाइन सुनाएंगे, आ जाओ जल्दी बताओ, सच्चे दिल से बताना भाई, शेयर नहीं किया था। मोहित शिफ्टेड, अब देखो शिफ्टेड का क्वेश्चन आ गया, नई टाइप। देखो सबसे पहले इंटरचेंज का टाइप करवाई, फिर मैंने बिटवीन बीच में कितने छात्र होंगे वो टाइप करवाई, मैंने आपको टॉप और बॉटम वाली टाइप करवाई, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए ये टाइप करवाई,
अब मैं शिफ्टिंग वाले टाइप करवा रहा हूं, एक भी टाइप के क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। एग्जाम में रिटर्न में लिख के देख लो, क्लास नोट्स में से क्वेश्चन आएगा, क्लास नोट से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको, सिंगल वन क्वेश्चन। हाँ, अधिकतम नो न्यूनतम करवाऊंगा बच्चे, जब बोला ना सारी टाइप करवाऊंगा। थैंक यू दीपक कश्यप। ठीक, चलो तो देखो भाई, शिफ्टेड वाली लाइन, मोहित पांच स्थान बाएं की ओर स्थानांतरित करता है, बदल लेता है, स्थानांतरित करता है, बदल लेता है बाएं की तरफ पांच स्थान। He will become eight position from left, तो वह बाएं से आठवां बन जाता है। स्थान बदलने से पहले की पोजीशन पूछिए बच्चे, बिफोर शिफ्टिंग। याद रखना, हमेशा स्थान बदलने से पहले की ही पूछेगा। हमेशा स्थान बदलने से पहले की पोजीशन ही पूछेगा शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में। तो जब उसको स्थान बदलने से पहले की ही पोजीशन पूछनी है तो उसको वहीं पहुंचा दो जहां वो था, जहां वो था। बस ये ध्यान रखना, टूवर्ड्स लेफ्ट, बाएं की ओर, पांच स्थान बदल लिए बाएं की ओर। यहां वो बंदा था, शिफ्ट करके यहां आ गया। यहां पर वो बंदा था, शिफ्ट करके यहां आ गया। पांच स्थान लेफ्ट से दे रखा आठ, लेफ्ट से दे रखा आठ। दोबारा सुनो, वो बंदा यहां था, शिफ्ट करके यहां आ गया। बच्चे वो बंदा यहां था, शिफ्ट करके यहां आ गया, यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया। लेफ्ट से पोजीशन दी है आठ, तो स्थान बदलने से पहले वो आगे था या वो पीछे था, बताओ। स्थान बदलने से पहले वो पीछे था इस लाइन में या वो इस लाइन में आगे था? ऑब्वियसली आगे था, तो आगे था तो प्लस होगा, आठ और पांच तेरह, थर्टीन। उसके बाद क्या है, मेन मुद्दा तो हो गया, उसके बाद तो वही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। ठीक, लेफ्ट तेरह प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल 42, राइट इज इक्वल टू 30, खेल खत्म, काम बन गया। प्लस होगा या माइनस होगा ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्लस होगा या माइनस होगा ये इंपॉर्टेंट है, प्लस होगा या माइनस होगा ये इंपॉर्टेंट है, प्लस होगा या माइनस होगा, क्लियर। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, यहां पर ये कैसे पता चलेगा? स्थान बदलने से पहले वो अगर इस लाइन में पीछे होता तो माइनस होता, वो आगे होगा तो प्लस होगा। कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक, ये क्लियर, यस और नो, क्लियर ये, डन। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखो, गगन इज शिफ्टेड सेवन प्लेस टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट दाएं की तरफ, मतलब इस तरफ, दाएं की तरफ मतलब इस तरफ, टूवर्ड्स राइट दाएं की तरफ मतलब इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आया, यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आया, कितने? सात। पोजीशन कहां से दे रखी है? फ्रॉम लेफ्ट। पोजीशन कहां से दी है? फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पोजीशन दी है, कितनी? अठारह। यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आया, पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है। यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आया, पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है। शिफ्ट करने से पहले वो पीछे था या आगे था? अरे शिफ्ट करने से पहले वो पीछे था या आगे था? अरे शिफ्ट करने से पहले तो वो पीछे था मेरे भाई, पीछे था, पीछे था, तो 18 में से 7 गया 11, फिर तो खेल खत्म हो गया सारा। क्या बात है, 18 में से 7 गया 11, फिर तो खेल खत्म हो गया सारा, क्या बात है, वाह वाह, सारी बन, मतलब रैप म्यूजिक बन गया ये तो। उसके बाद तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन है, 11 प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू 45, राइट इज इक्वल टू 35, खेल खत्म।
राइट इज इक्वल टू 35 खेल खत्म। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, क्लियर है तो बता दो फटाफट, तुम सब कब कमेंट कर दो क्लियर है तो, तुम सब का कमेंट कर दो क्लियर है तो। आ जाओ नेक्स्ट, बताओ जल्दी बताओ। देखो अंकित इज शिफ्टेड सिक्स प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट इस तरफ, यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आया, यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आया टुवर्ड्स लेफ्ट बाएं की तरफ। अंकित छह स्थान बाएं की ओर स्थानांतरित हो रहा है, छह स्थान बाएं की ओर स्थानांतरित हो रहा, बाएं की ओर, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं हर बात, बाएं की ओर। पोजीशन राइट से दी है, दाएं से 18वीं दी है, पोजीशन राइट से दी है, दाएं से 18वीं दी है। अंकित बाएं की तरफ छह स्थान बदल रहा था, पोजीशन दाएं से 18वीं दे रखी है, अंकित बाएं की तरफ छह स्थान बदल रहा था, पोजीशन दाएं से 18वीं दे रखी थी। तो स्थान बदलने से पहले वो पीछे आएगा या आगे आएगा, स्थान बदलने से पहले वो पीछे आएगा या आगे आएगा, स्थान बदलने से पहले वो पीछे था, 18 में से 6 गए 12, 18 में से 6 गए 12, उसके बाद तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल 51, टोटल 51। तो सिंपल सा फंडा है, ये क्लियर हो रहा है कि कब हम प्लस करेंगे और कब माइनस करेंगे। उसके बाद तो लेफ्ट प्लस राइट 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 51, लेफ्ट इज इक्वल टू 40, 40। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, माइजोन हंसो सारे के सारे बच्चे 40। सर एनटीपीसी सीबीटी 2 का कैसे प्रिपरेशन करूं समझ नहीं आ रहा, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं भाई, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, तो स्ट्रेटेजी के लिए मुझसे बात कराएं, खुद से, खुद से बात कर रहा है मेरे से, ठीक है फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं आपसे बात करके आपको समझाऊंगा। व्हाट्सएप कर दे मेरे नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो गगन गोपाल इज शिफ्टेड एट प्लेस टुवर्ड्स राइट, यहां से टुवर्ड्स राइट दाएं की तरफ, दाएं की तरफ 8 स्थान बदल लेता है, यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आ गया, यहां से वो बंदा शिफ्ट करके यहां आ गया, 10th फ्रॉम राइट दे रखा, दाएं से 10वां दे रखा, ध्यान रखना बच्चे। वो बंदा यहां से शिफ्ट करके यहां आया, वो बंदा था यहां, शिफ्ट करके यहां आ गया, बंदा यहां था शिफ्ट करके यहां आ गया, यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया, दाएं से राइट से 10वें नंबर पर दे रखा है। तो शिफ्ट करने से पहले तो वो बंदा आगे था, शिफ्ट करने से पहले तो वो बंदा आगे था, तो 10 और 8 18, उसके बाद तो वही खेल, प्लस होगा 10 और 8 18 प्लस होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल 61 लेफ्ट। अरे 61 में से 17 माइनस कर देना, अब तो कर ही लोगे, ठीक क्लियर। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन कर लोगे, इसका बताओ, ये करवा चुका है, इसका बताओ, जल्दी से कमेंट करो, बताओ बताओ भाई जल्दी से। देखो बच्चे पेड बैच के लिए प्ले स्टोर पर जाना, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ठीक है। 22 फरवरी से बैच स्टार्ट है और इस बैच में सारी की सारी लाइव क्लास रहेंगी, प्लस अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आपको, जो कोरोना काल के दौरान जो बच्चे बोल रहे हैं लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, स्टेनो का पेपर हुआ था नंबर नहीं आया, लेवल बढ़ गया रीजनिंग का, अरे रीजनिंग का जैसे लेवल बढ़ा रहे हो बहुत खुशी हो रही है, ऐसे ही मैथ्स का लेवल भी मेंस में बढ़ा दो, बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, भला हो जाए, सोचो लेवल बढ़ा दो इसलिए सिलेक्शन हो जाए, सोचो कैसी डिमांड है, पूरी दुनिया में ऐसी डिमांड पहली बार हो रही है, लेकिन युवा आवाज कहां उठा रहे हैं।
ठीक, तो सिंपल सा फंडा है, तो लाइव रहेगा प्लस अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगा, साथ में इंडिविजुअल बच्चे को गाइड करूंगा। मैं सही बताऊं ना, जितनी मैं आपको गाइडेंस दूंगा ना इंडिविजुअल बच्चे को, जैसे अभी बोला ना स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं, सही बताऊं जितनी मेरी फीस है ना उससे ज्यादा की तो मैं गाइडेंस दे दूंगा आपको। तो ये बेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट समझो, ये गारंटी है। ऐसी गाइडेंस इंडिविजुअल बच्चे का पर्सनली फोन कर करके, इतना कभी शायद ही किसी टीचर ने किया होगा, लेकिन मैं इस बैच के स्टूडेंट के साथ करने वाला हूं। इंडिविजुअल हर बच्चे की इंडिविजुअल गाइडेंस इस बैच में, पर्सनली व्हाट्सएप से, पर्सनली फोन करके, पर्सनली शेड्यूल तक, टाइम टेबल तक, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से कौन सी बुक पढ़नी है, कंप्लीटली गाइड करूंगा। इतना शायद ही किसी टीचर ने किया होगा। अब कहोगे यूट्यूब पे कर दो ना, बच्चे मलेरिया के मरीज को टाइफाइड की दवाई नहीं दी जाती, यूट्यूब पे सबके लिए गाइडेंस की वीडियो नहीं बनाई जा सकती। तभी तो बोला ना इंडिविजुअल फोन करके, पहले पूछो तो सही उसके दिमाग की बीमारी क्या है, तभी तो इलाज करूंगा। टाइम है 9:30 से 11 भाई सुबह। हाँ इस क्वेश्चन को तो कर लो। देखो दीपक जो है एट्थ फ्रॉम लेफ्ट, एट्थ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां है। 13th फ्रॉम राइट, टोटल बन गया 21। गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह गया, तो 21 में से 16 गए 5, 2 का ओवरलैप हो गया, माइनस कर देना 3। ठीक, नेक्स्ट, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो 2 माइनस करना है। सर मुझे एनटीपीसी देना आगे 30 में से 30। हेलो हेलो, देखो रोहित इज 16 फ्रॉम राइट, अतुल इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, 16 और 13 29। गिवन टोटल 20, उसमें से 2 माइनस कर दो 7। रमेश राइट से 27 है कि नहीं, 27 27 54, ठीक। गिवन टोटल 49 दे रखा है, गिवन टोटल 49 दे रखा है, 49 दे रखा है। तो गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो क्या बताया थी ट्रिक, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ट्रिक क्या बताई थी, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो ट्रिक क्या बताई थी, गिवन टोटल 49, गिवन टोटल 49, अपने टोटल 54 से कम रहेगा, तो क्या करेंगे, 54 में से 49 माइनस करेंगे, कितना आया 5, 2 का ओवरलैप है तो आंसर 3, आंसर 3 3। ठीक, सीट एंगेजमेंट कब होगा, रैंकिंग के बाद सीट एंगेजमेंट ही लेंगे बच्चे, टेंशन ना लो। और क्लास के बाद कमेंट करके बताया करो, क्लास के बाद, ये लाइव चैट चली जाती है, माइंड से निकल जाता, क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी, कौन सा पार्ट क्लास का अच्छा लगा, ट्रिक कौन सी अच्छी लगी और कौन सा चैप्टर नेक्स्ट आपको पढ़ना है, ये सब आप कमेंट किया करो। ठीक चलो नेक्स्ट देखो, अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड कृष्ण इज 6th, कृष्ण इज 6th पोजीशन लेफ्ट ऑफ अतुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन में, आज बड़े खतरनाक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक, अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, अतुल बाएं से 18वें नंबर पे है, अतुल बाएं से 18वें नंबर पे, इसका मतलब अतुल के लेफ्ट में 17 बैठे हैं। भाई मैं यहां से सेकंड नंबर पे हूं तो मेरी साइड एक स्टूडेंट बैठा है, तभी तो एक, फिर सेकंड पे मैं, तो 17 स्टूडेंट बैठे हैं अतुल के लेफ्ट में, तभी तो अतुल लेफ्ट से 18th पोजीशन है, बाएं से 18वें पोजीशन है। और कृष्ण इज 6 पोजीशन लेफ्ट ऑफ अतुल, कृष्ण अतुल के 6 स्थान बाएं तरफ है। बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी है, आज बड़े खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पिछला क्वेश्चन तो बच्चे पिछली क्लास से था,
पिछली क्लास इसका मतलब नहीं देखी आपने, और माइनस दो कैसे हुआ, पिछली क्लास नहीं देखी ना नेहा तोमर बम बम कुमार, एक तो सबने अभी लाइक नहीं किया, इनपुट आउटपुट कब होगा, ठीक है क्लास के बाद कमेंट करना, चैप्टर के कमेंट जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है, पिछली क्लास जरूर देख लेना, ठीक, रैंकिंग अरेंजमेंट की सैटरडे को जो हुई थी, बट अब आगे सुनो, वो तो बाद में देख लेना, अब आगे सुनो। देखो बच्चे उसने क्या बोला, अतुल इज सिक्स पोजिशन लेफ्ट, कृष्ण इज सिक्स पोजिशन लेफ्ट ऑफ अतुल, कृष्ण अतुल के छह स्थान बाएं तरफ है, कृष्ण अतुल के छह स्थान बाएं तरफ है, अतुल के बाएं तरफ है भाई, अतुल के बाएं तो ऑलरेडी 17 बैठे हैं, इसका मतलब कृष्ण इन्हीं 17 में से है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि ओवरलैप बच्चे नहीं समझ पाते इस वजह से। और हिमांशु चौहान इनइक्वालिटी, अरे यार इनइक्वालिटी पूरा 6 पार्ट पढ़ा दिया, अभी अभी पढ़ाया है, इसका मतलब पुरानी क्लास तो आप देखते ही नहीं। थैंक यू पूजा चौधरी, थैंक यू भाई, पुरानी क्लास इसका मतलब देखते ही नहीं, 6 पार्ट पढ़ाया इनइक्वालिटी के, इतनी प्रैक्टिस भी इतनी ज्यादा करा दी, कंप्लीट डिटेल में, अभी अभी जस्ट रैंकिंग से पहले वाला पार्ट इनइक्वालिटी चला है। चलो फिर भी क्लास के बाद चैप्टर के नाम बता देना। हाँ सुनो, अब देखो अतुल जो कृष्ण जो है अतुल के लेफ्ट में है, इन्हीं 17 में से है भाई कृष्ण, अतुल के लेफ्ट में 6 स्थान, मतलब बीच में 5, फिर कृष्ण। बताओ एक बार अतुल के लेफ्ट में कितने छात्र बैठे थे, 17। अतुल के लेफ्ट में कितने छात्र बैठे थे, 17। 5 और एक 6 तो बैठ गए, 5 ये रहे और एक ये रहा, 5 और एक 6 तो बैठ गए, 17 बैठाने हैं, 17 बैठाने हैं, 6 बैठ गए तो 11 और बैठेंगे। दोबारा सुनो, अतुल बाएं से 18 नंबर पे था, इसका मतलब 17 स्टूडेंट बैठाने थे बाएं में, और कृष्ण अतुल के लेफ्ट में बैठा था, लेफ्ट राइट ध्यान रखना, तो 17 रखने के लिए 11 और एक 12 और 5 17, कृष्ण इन्हीं 17 में से था। उसके बाद दीपक इज 11th पोजीशन राइट ऑफ कृष्ण, दीपक कृष्ण के दाएं से 11वें स्थान पर, कृष्ण के दाएं 11वां स्थान, कृष्ण के दाएं 11वां स्थान, अभी से आपका भी नाम ले दिया, कृष्ण के दाएं 11वां स्थान दीपक 11वां स्थान, तो बीच में कितने बैठेंगे बताओ, 11वां स्थान तो बीच में कितने बैठेंगे, 10 बैठेंगे। मैं तो सिलोजम देखकर फैन हो गया आपका, थैंक यू भाई, थैंक यू, सारी क्लास ही देखा करो। 11वां स्थान तो बीच में 10 बैठेंगे बच्चे, 5 और एक 6 4 और बच गए, इसको दोबारा समझाऊं, दोबारा सुनो, अतुल बाएं से 18 नंबर पे था, तो अतुल के बाएं 17 छात्र मान लिए, कृष्ण अतुल के ही लेफ्ट में था, इसका मतलब इन्हीं 17 में से था, इन्हीं 17 में से था, तो कृष्ण बैठा दिया अतुल के लेफ्ट में 6 स्थान। उसके बाद दीपक 11 पोजीशन है राइट में कृष्ण के, कृष्ण के राइट में 11 पोजीशन, तो बीच में 10 बैठा दिए, 5 और एक 6 और 4 10। उसके बाद हेमंत इज थर्ड पोजिशन लेफ्ट ऑफ दीपक, अब देखो हेमंत इज थर्ड पोजिशन लेफ्ट ऑफ दीपक, दीपक के 3 स्थान लेफ्ट में है हेमंत, दीपक के 3 स्थान लेफ्ट में है हेमंत, इसका मतलब हेमंत इन्हीं चारों में से बैठा है। बड़ा दासु क्वेश्चन है ये, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसका मतलब उसने क्या बोला, हेमंत 3 स्थान है दीपक के लेफ्ट में एंड अलाउड फ्रॉम राइट, ये यहां मिसप्रिंटिंग हो गया, एंड यहां आएगा 11th फ्रॉम राइट, ठीक, 11th फ्रॉम राइट। अब सुनो ध्यान से, यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से राम राम नितिन तोमर, राम राम भाई तोमर, दोबारा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो दोबारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लो भाई कत्ती बिल्कुल शुरू से दोबारा बता रहा हूं भाई, दो तरीके हैं, या तो मैं अच्छा क्वेश्चन लेके ना आऊं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, या फिर मैं अच्छा क्वेश्चन ले आऊं, उसको 10 बार समझा दूं बट आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। सुनो ध्यान से, देखो अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, सिंपल, अतुल बाएं से 18 नंबर पे, मतलब 17 छात्र है,
कृष्ण छह स्थान बाएं तरफ अतुल में, बाएं है इसका मतलब इन्हीं 17 में से कृष्ण बैठा है। ये लाइन क्लियर। अगली लाइन, अतुल के छह स्थान बाएं तरफ है, कृष्ण बैठा दिया, लेकिन अतुल के लेफ्ट में बैठाने तो 17 थे, छह स्थान मतलब बीच में पांच, छह स्थान मतलब बीच में पांच, एक छाता तो बीच कम रहेगा ना, पांच और एक छह। न्यू बैच आज से स्टार्ट हुआ प्रीतम, पांच और एक छह, 17 बैठाने, 11 और बच गए, 11 और एक 12 और पांच 17, एक एक लाइन क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अगला, दीपक इज 11 पोजिशन राइट ऑफ कृष्ण, 11 पोजिशन राइट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के राइट में है दीपक, कितनी 11 पोजिशन, तो बीच में कितने बैठेंगे 10, 11 पोजिशन तो बीच में कितने बैठेंगे 10, पांच और एक छह तो बैठे हैं, तो कितने और बच गए 4। अब यहां तक क्लियर, पहली लाइन पढ़ी मैंने, पहली लाइन सोल्व की, इसको भूल गया, फिर इसको सोल्व किया भूल गया, दूसरी लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन सोल्व की, कृष्ण लेफ्ट में बैठा दिया तुल के, लेफ्ट राइट ध्यान रखना, ये लेफ्ट और ये राइट है, ये बायां और ये दायां है, ठीक। दूसरी लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन सोल्व कर दी छह स्थान, तीसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन सोल्व कर दी, 11 स्थान दाएं तरफ राइट में है, दाएं तरफ है राइट में है, दाएं तरफ है राइट में बैठा दिया। अब अगली लाइन पढ़ेंगे, यहां तक समझ में आया तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया तो भी लाइक कर दो। सुनो, उसके बाद यहां 11th बोल दिया था मैंने, चेंज कर दिया था स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हेमंत इज 3 पोजिशन लेफ्ट ऑफ दीपक, दीपक के लेफ्ट में 3 पोजिशन मतलब बीच में 2, हेमंत दीपक के लेफ्ट में 3 पोजिशन मतलब बीच में 2, हेमंत। एक बात बताओ, अतुल और दीपक के बीच में कितने छात्र थे 4, 2 और 1 3 बच बैठ गए, तो एक और बच गया, बाकी सब तो एजीटी जाएंगे ना, 5 कृष्ण 11 और राइट से 11वें नंबर पे है हेमंत, राइट से 11वें नंबर पे है हेमंत, राइट से 11वें नंबर पे, तो इतना बता दो हेमंत के राइट में कितने बैठेंगे, राइट से 11वें नंबर पे, तो हेमंत के राइट में कितने बैठेंगे 10, राइट में कितने बैठेंगे 10, 2 और 1 3, 2 और 1 3 कितने बच गए 7। पूरी लाइन क्लियर भाई, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली लाइन बनानी पड़ेगी भाई, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली लाइन बनानी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनो, 7 और 1 दीपक 8 और 2 10 और 1 हेमंत 11 और 1 12 और 1 अतुल 13 और 5, 13 और 5 18 और 1 19 और 11 30, 30 छात्र टोटल आंसर आया, टोटल आंसर आया 30। छात्र ठीक, तो दाएं से 11वां अनुमति नहीं, दाएं से 11th ठीक है। चलो 32 कैसे आया, 30 आया यार, 11 और 1 12, 12 और 5 17 और 1 18 और 1 19 और 1 20 और 2 22 और 1 23 और 7 30। ये जिन जिनका नाम लिख रखा वो बंदे तो एक ही हैं, कृष्ण एक ही है, अतुल एक ही है, हेमंत एक ही है, दीपक एक ही है। चलो अगले क्वेश्चन का करने की कोशिश करो, एक बार करने की कोशिश करो बच्चे, देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है आज, ठीक है। ओवरलैप पिंक केस है, ओवरलैप कैसे बैठते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली लाइन में बनाने पड़ते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम यूट्यूबर या टीचर सॉरी टू से इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे तो आसान आसान क्वेश्चन ला करके मैं आपको खुश कर दूं, उससे अच्छा है मुश्किल मुश्किल ला करके आपको ना खुश करके एग्जाम में खुश कर दूं। यहां खुशी चाहिए या एग्जाम में, एग्जाम में खुशी चाहिए तो बच्चे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और मैं पहली क्लास इतनी बेसिक से रखता हूं लेकिन आखिरी क्लास तक बहुत हाई लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। समझ में ना आए 10 बार समझ लो मेरे से। नमस्ते भाई, नमस्ते। डेली 9:30 बजे रात को लाइव रहा करो, अब तो मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं आप लोगों की।
डेली रात को 9:30 बजे। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आकाश कुंडू, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर से मैं दे दूंगा ये पीडीएफ, ठीक है। देखो रोहित इज 9th फ्रॉम राइट, रोहित दाएं से 9वें नंबर पे, मतलब रोहित के दाएं 8 बैठे हैं। अतुल इज 13 पोजीशन लेफ्ट ऑफ रोहित, रोहित के 13 स्थान बाएं तरफ है। ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट राइट जरूर ध्यान रखना। अतुल इज 13 पोजीशन लेफ्ट ऑफ रोहित, रोहित के 13 स्थान बाएं तरफ है, मतलब बीच में 12 है, रोहित के लेफ्ट में है। दोबारा सुनो, रोहित दाएं से 9वें नंबर पे था, इस तरफ से 9वें नंबर पे था, तो 8 बैठे हैं। अतुल रोहित के 13 स्थान बाएं तरफ है, 13 स्थान लेफ्ट में, मतलब बीच में 12 है, मतलब बीच में 12 है। उसके बाद गोपाल इज 5th पोजीशन राइट ऑफ अतुल, ध्यान से करना, राइट लेफ्ट का ध्यान रखना। करो भाई, मनीष कुमार मोदी रोजगार दो इस बारे में कुछ बोल दीजिए। मोदी रोजगार दो इस बारे में तो वीडियो मैंने बनाई थी और डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा बच्चे। ये तो मुहिम सिंपल सा फंडा है, सिर्फ 18 नवंबर, सिर्फ 18 नवंबर का जो पेपर हुआ है, ये मुद्दा सिर्फ उस बात के ऊपर जरूर शुरू हुआ है, लेकिन सिर्फ खत्म उस बात पे नहीं होगा। हमने पिछले साल भी लड़ाई लड़ी ट्रेंड ट्विटर की, इस साल भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अंतिम लड़ाई हो, सुधार हो के रहे। एक एग्जाम, दो एग्जाम, तीन एग्जाम, कभी लेवल डिफिकल्ट इजी बना देते हैं, कभी एग्जाम डिले कर देते हैं। सोचो यार, जॉब लेने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाना पड़ता है, फिर उसके बाद फॉर्म भरने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाना पड़ता है, साइट इनकी हैंग रहती है, उस साइट को सही करवाने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलवाना कर पड़ता है, लाखों बेरोजगार युवाओं के फॉर्म भरने तक रह जाते हैं, उसके बाद एज की प्रॉब्लम आती है, उसमें ट्विटर ट्रेंड चलाना पड़ता है, फिर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी मुहिम है ये मोदी रोजगार दो, और हैशटैग बहुत ढंग से यूज करो, आईटी सेल बड़ी एक्टिव है, हैशटैग मोदी डैश रोजगार डैश दो, दो में भी आज हिंदी में चल पड़ा, इंग्लिश में ही रखो, और उसके बाद रिजल्ट लाने के लिए ट्विटर ट्रेंड। और कितनी कमियां, एग्जाम सही से नहीं बनते, एग्जाम सही से बनते तो एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे, बट ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होनी चाहिए आप लोगों की, बड़े लेवल पे जो एसएससी से नहीं भी जुड़ा है उस इंसान को भी जोड़ो, अपने यार प्यार मित्र भाई बंधु रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बड़े बुजुर्गों को भी समझाओ, उनको ट्विटर नहीं चलाना आता तो उनका मोबाइल लेकर के ट्विटर चलाना सीखो, सिखाओ उनको, ये बहुत बड़े लेवल पे। और अकेले ट्विटर से बात नहीं पड़ेगी, जमीन पर अगर आने की जरूरत पड़ी तो जमीन पर भी आएंगे, बट अब की बार सुधार होके रहना चाहिए। एक साल, दो, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, सालों तक कमियां रहती हैं और बस ये ऐसे सोए रहते हैं, सबको दिख रही है बिल्कुल, एक एक बंदा, एक एक बच्चा तैयारी करने वाला कमी दिखा देगा कि ये कमी है भाई, एक एग्जाम फॉर्म भरने वाला बंदा एक कैंडिडेट सारी कमियां गिनवा देगा, ये कमियां हैं, और ये इतने बड़े बड़े अधिकारी बन करके बैठ गए और उनको कमियां नहीं दिखाई दे रही। चलो हाँ, उसके बाद गोपाल इज 5th पोजीशन राइट ऑफ अतुल, गोपाल इज 5th पोजीशन राइट ऑफ अतुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गोपाल अतुल के 5 स्थान दाएं तरफ है, गोपाल अतुल के 5 स्थान दाएं तरफ है, अतुल के दाएं तरफ बच्चे, तो इन्हीं 12 में बैठा है गोपाल, इन्हीं 12 में गोपाल बैठा है, इसका मतलब अतुल 5 स्थान दाएं तरफ है। ये येलो नहीं दिखेगा शायद, ब्लैक ले लेते हैं, अतुल 5 स्थान दाएं तरफ है, यानी कि 4 है गोपाल, मैंने कहा था इन्हीं 12 में बैठा है, यही 12 यहां पर रहेंगे,
तो चार और एक पांच तो बन गए, सात और बच गए, यही 12 बच्चे यहां पर हैं। बदला नहीं है, वही चीज है, ठीक वही चीज है, सेम चीज है। तो गोपाल इज फिफ्थ पोजीशन राइट ऑफ अतुल, गोपाल जो है पांच स्थान दाएं तरफ अतुल के। दीपक इज 12th पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल, दीपक इज 12th पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल, दीपक गोपाल के 12 स्थान बाएं तरफ है, गोपाल के लेफ्ट में है बच्चे, गोपाल के लेफ्ट में 12 स्थान, चार और एक पांच, दीपक गोपाल के 12 स्थान है, मतलब बीच में 11 बैठाने हैं, 11 बैठाने हैं, तो चार और एक पांच, छह और बच गए, 11 स्थान बाएं तरफ है, छह और एक सात और चार 11, 12 स्थान है तो बीच में 11 बैठे हैं। उसके बाद एंड एट्थ फ्रॉम लेफ्ट, और बाएं से आठवें नंबर पे, मतलब सात है, पूरी लाइन बन गई भाई, बाएं से आठवें नंबर पे बीच में सात है, सॉरी लेफ्ट में सात है, लेफ्ट से आठवें नंबर पे तो लेफ्ट से सात है, पूरी लाइन बन गई भाई। देख लो, सात और एक आठ, आठ और छह 14, और एक 15, और चार 19, और एक 20, 20 और सात 27, और एक 28। गलत हो गया आकाश कुंडू, 28 बंदे हैं भाई। अरे बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं आज, ऐसे थोड़ी ना है। ठीक क्लियर भाई, क्लियर हुआ? देखो भाई एक बार और रिपीट कर देता हूं पूरी लाइन को। रोहित दाएं से नौवें नंबर पे था, कहां गया? अच्छा रोहित वाला तो लाइन लिखा ही नहीं, दाएं से नौवें नंबर पे था, आठ और भी हैं, 28 और 8 36 आएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब था आपका, 36 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये 9 तो रह ही गया था ये समझाने का। देखो दोबारा, रोहित दाएं से 9वें नंबर पे था, मतलब ये 8 है, क्लियर। उसके बाद अतुल 13 पोजीशन लेफ्ट के, 13 पोजीशन, बीच में 12 है, देख लो 7 और 1 8 और 4 12, क्लियर। उसके बाद गोपाल 5 पोजीशन राइट में है अतुल के, अतुल के राइट में ही पांच पोजीशन। उसके बाद दीपक 12 पोजीशन लेफ्ट में है गोपाल के, गोपाल के 12 पोजीशन, मतलब बीच में 11, 6 और 4 10 और 11, और बाएं से आठवें नंबर पे, मतलब सात, बिल्कुल 36, हाँ वो रह गया था बिनी राजपूत प्रजापत, वो रह गया था, ठीक 36। क्लियर भाई, डन है? चलो इन्हें रो, यहां देखो भाई बड़े अच्छे क्वेश्चन, मिनिमम मिनिमम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे ने पूछा भी था सर मिनिमम का करवाना, सर ये मिनिमम का बड़ा पंगा होता है, सर ये मिनिमम न्यूनतम संख्या का करवाना ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, मिनिमम का करवाना। ध्यान से ट्रिक सुनो मिनिमम की, मिनिमम की ट्रिक सुनो, आज के क्लास में बड़े खतरनाक क्वेश्चन होंगे। दलाल मीडिया पर कुछ बोल दीजिए, अर्पित जो मीडिया ही दलाल है उस पर बोलने की क्या जरूरत है, ऐसी मीडिया को बोलने की बजाय बायकॉट करो, ऐसी मीडिया को देखना बंद करो, दिख भी जाए ना सामने तो डिसलाइक करो, और घर से सारी, सबसे बड़ा काम है, देखो ये जितने भी दलाल मीडिया है ना, जितने भी मीडिया न्यूज चैनल जितनी भी है, न्यूज चैनल जितनी भी है, वो यूट्यूब पे तो फ्री में प्रोवाइड कर रही है, यूट्यूब से काम नहीं होगा इनका, अपने घर से अगर सच्चे देशभक्त हो ना, अगर सच्चे दिल से देशभक्त हो, अपने घर से अपने जो ऑपरेटर है ना, जिसका भी आपने डिश टीवी ले रखा है या एयरटेल टीवी ले रखा है या जिससे भी आपने केबल लगवा रखी है, उस ऑपरेटर से ब्लॉक करवाओ न्यूज चैनल को, एक घर में न्यूज चैनल टीवी में बंद करो इनके ऊपर, तब फर्क पड़ेगा। डेली क्लास होती है भाई 9:30, डेली आप आते कहां हो, और पिछली क्लास जरूर देख लिया करो। देखो मिनिमम मिनिमम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये डॉट 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 कैसे लग गए? मिनिमम सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी न्यूनतम पूछ ले तो क्या करना है। रीता बाएं से 15th पे है, मधु दाएं से 18th पे है, बीच में कितने बैठे हैं? चार। बीच में कितने बैठे हैं? चार। रीता बाएं से 15 पे है, मधु दाएं से 18 पे है, बीच में कितने बैठे हैं? चार। कितने हो गए ये? 15 15 30 और 3 33 और 4 37। अगर मैक्सिमम पूछता तो 37 आंसर था,
मैक्सिमम अगर पूछता तो 37 आंसर था। ब्रजेश मेरा पहली क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो बच्चे, और डेली 9:30 बजे लाइव रहा करो। बीच में कितने हैं देखो, अब अगर मैक्सिमम पूछता तो 37 आंसर होता, लेकिन मिनिमम पूछा है। मिनिमम के केस में क्या करना है, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, और दो बंदे मधु और रीता ओवरलैप हो गए। क्या बोला मैंने, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे मधु और रीता ओवरलैप हो गए। जितने भी बीच में बैठे हैं उसका डबल और दो बंदों जिनका नाम दिया है वो ओवरलैप हो गए, मतलब वो डबल डबल काउंट हो गए मिनिमम के केस में, वो डबल डबल काउंट हो गए मिनिमम के केस में। तो हमेशा ट्रिक क्या लगेगी मिनिमम में, सबसे पहले सबका टोटल कर लो, उसके बाद बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे मधु और रीता वो माइनस कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बीच में जितने बैठे हैं चार का डबल प्लस दो 10 और माइनस कर दो, मिनिमम आंसर आ गया 27। मैक्सिमम पूछता तो आंसर आता 37, मिनिमम पूछा तो आंसर आएगा 27। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और ओवरलैप हो गए, अगर वो मिनिमम बोलता है तो। मिनिमम कितने छात्र हैं अगर उसने ये बात बोली तो, क्लियर ही इस बात का, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और, ठीक। अगले में मिनिमम देखो, मिनिमम जल्दी बताओ जल्दी, कौन पहले जवाब देगा, मिनिमम पूछा भाई, मिनिमम मिनिमम न्यूनतम, कौन पहले जवाब देगा, जल्दी आंसर फटाफट, क्विक 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 जल्दी। देखो क्या करना है, 29 प्लस 18 प्लस 6, जो जो डेटा दिया सबका टोटल कर लो, 29 प्लस 18 प्लस 6, जो जो बोला उन सब का टोटल कर लो, 29 प्लस 18 प्लस 6 इन सब का टोटल, 29 प्लस 18 प्लस 6 सबका टोटल। उसके बाद जो भी टोटल आए, सबसे पहला काम यही है 29 प्लस 18 प्लस 6, सबसे पहला काम याद रखना इस बात का, सबसे पहला काम जो भी डेटा गिवन है, 29 गिवन है 29, 18 गिवन है 18, 6 गिवन है 6, ठीक। उसके बाद ट्रिक लागू होगी, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे जो नाम लिखा उनका वो ओवरलैप हो गए, ठीक है। देखो 53, उसके बाद बीच में जितने बैठे उसका डबल वो माइनस कर दो, 6 दुनी 12 प्लस 2 14 माइनस कर दो, 14 माइनस कर दो इसमें से, 14 माइनस कर दो, ठीक है। 39 इज द राइट आंसर, 39 बहुत बढ़िया भाई, सुकृति राज 39, अर्पित 39, नरेश 39, राजकुमार 57 गलत, सौरभ 39 बहुत बढ़िया भाई। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और। देखो बच्चे मेरा जो बैच है वो आज से शुरू हुआ है, ठीक है। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये देखो प्ले स्टोर पर जाना, ऐसा लोगो मिलेगा, प्ले स्टोर पर जैसे ही जाओगे आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करना। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना, रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद मेरा बैच स्टार्ट हुआ है आज से। अभी फीस बहुत कम कर रखी है बच्चे, मेरे बैच की फीस बहुत कम कर रखी है। साथ में मैथ्स स्पेशल स्टार्ट हुआ है, मैथ्स में बच्चे बहुत बड़े डिटेल्ड में जितने भी टीचर्स के आपने नाम सुने हैं ना, उन सारे टीचर्स के नोट्स, उन सारे टीचर्स के बेस्ट क्वेश्चन, उन सारे टीचर्स के बुक्स। देखो बच्चे दो तरीके हैं, एक तो सारे टीचर्स की बुक पढ़ो, सारे टीचर्स को फॉलो करो, सारे टीचर्स के नोट्स पढ़ोगे, सारे टीचर्स, इन्होंने इतना बढ़िया स्कोर किया है 190 आउट ऑफ 200, वो भी सबसे टफ शिफ्ट में, और इनके तीनों सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, तीनों में और तीनों सब्जेक्ट में 50 में से 50, टॉपर के नोट्स तो आपको मिलेंगे, साथ में टॉपर्स की गाइडेंस और साथ में बड़ी डिटेल में बैच, बड़ी डिटेल में बैच, ये मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी आपको आरजी विक्रमित एप्लीकेशन, इसको परचेज करने के लिए एआर लाइव कोड यूज कर लेना। हाँ ये कोड जो है बहुत कम स्टूडेंट के लिए है, पहले कुछ ही स्टूडेंट के लिए कोड लागू रहेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से इनके डिमांड के ऊपर ये बैच आया है और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, बोला सर थैंक यू, इतने
बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। देखो बच्चे मैथ्स में कंटेंट होता है, इनसे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी मिल जाए लास्ट क्लास तक फीस वापस। और साथ में ये तो है ही, साथ में अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो तो कॉम्बो बैच रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो बैच ले लेना, उसमें फीस वैसे ही उतनी लगनी है जितनी आप रीजनिंग की प्रोवाइड करते हो, मतलब रीजनिंग की फीस में दोनों बैच हो जाएंगे। तो मिनिमम के केस में क्या करना है, मिनिमम के केस में इसमें बड़ा डाउट रहता है। सबसे पहले सबका टोटल कर लो जो जो गिवन है, उसके बाद उस टोटल में से माइनस कर देना बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बिटवीन बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल प्लस दो। ये आपका मिनिमम का केस रहेगा कम से कम छात्र। सुनील सर की क्लास जल्दी होगी भाई, जल्दी होगी, बताओ इसका जवाब दो। ये मिनिमम का नहीं है, इसको ध्यान से क्वेश्चन करना भाई, ध्यान से सोल्व करना इसका, ये मिनिमम का केस नहीं है। देखो इन रो 40 चिल्ड्रन, पी इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, पी बाएं से 13वें स्थान पर है। बच्चे पी बाएं से 13वें स्थान पर है और क्यू 9th फ्रॉम राइट हैंड, क्यू दाएं से 9वें स्थान पर है। P बाएं से 13वें स्थान पे मतलब 12 छात्र, Q दाएं से 9वें स्थान पे मतलब 8 छात्र। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड R इफ R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q। R Q के चौथा स्थान बाएं तरफ है, R Q के चौथा स्थान बाएं तरफ है मतलब बीच में 3 है, R Q के चौथा स्थान बाएं तरफ है, R Q के चौथा स्थान बाएं तरफ है, Q के चौथा स्थान बाएं तरफ है मतलब 3 बैठे। ठीक, अब उसने पूछा P और R के बीच में कितने छात्र हैं, P और R के बीच में कितने छात्र हैं, यहां पर कितने छात्र हैं, हमें क्या मालूम इनके बीच में कितने छात्र हैं। तो मालूम कैसे चलेगा, हमें मालूम चलेगा टोटल अगर पता चल जाए। हाँ टोटल पता तो है 40, आप इसका टोटल गिन के देखना, 12 और 1 13 और 1 14 और 3 17 और 1 18 और 8 26, 26 टोटल दिखाई दे रहे हैं। तो कितने दिखाई नहीं दे रहे, 14 दिखाई नहीं दे रहे, तो बीच में ही बैठे हैं क्योंकि 40 तो टोटल बनाना पड़ेगा ना, टोटल 40 तो बनाना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है, क्लियर, टोटल 40 तो बनाना पड़ेगा। बोलो मजा आया कि नहीं, क्लियर है कि या नहीं, जल्दी से बताओ। गिवन टोटल में से माइनस कर दिया, गिवन टोटल में से माइनस कर दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि पी 13 स्थान पे बैठा है, क्यू 9वें स्थान पे बैठा है, आर 4 पोजीशन लेफ्ट में, सबका टोटल कितना बन गया, 13 और 9 22 और 4 22 और 4 26, गिवन टोटल 40 में से माइनस कर दो 14 हो गया, इतने बीच में बैठे हैं, खत्म कहानी। ठीक, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो राहुल की रैंक 11वीं है और 47वीं बीच नीचे से है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन जैसे होता है ऐसे टॉप प्लस बॉटम माइनस वन होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन जैसे होता है ऐसे टॉप प्लस बॉटम माइनस वन होता है। ठीक, तो राहुल की रैंक 11 प्लस 47 माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, 11 प्लस 47 माइनस 1 टोटल बन गया 57। तो इस क्वेश्चन को क्यों पूछा फिर उसने, इतना आसान क्वेश्चन पूछा नहीं, उसके बाद तीन स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया। पहला ऑप्शन मिलेगा बच्चे 57, बट तीन ने एग्जाम नहीं दिया। अब तीन ने एग्जाम नहीं दिया वो भी तो स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, तो वो भी है ना, एग्जाम नहीं दिया तो एक स्टूडेंट फेल हो गया क्लास में, तो वो भी है, एक स्टूडेंट फेल हो गया तो क्लास में, तो वो भी है, तो टोटल कितना आएगा 61। बस वो यही चेक करना चाह रहा था कि आप इसका टोटल लिखोगे या नहीं, टोटल कितना आएगा 61, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब तो मोहित जो है 10th है लेफ्ट से, राहुल 12th है राइट से, अंकित 7 पोजीशन राइट ऑफ मोहित एंड एग्जैक्टली बिटवीन मोहित एंड राहुल, एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन का क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में। अरे मोहित 10वां है, राहुल 12वां है, अंकित 7वें पे बैठा राइट में, एग्जैक्टली बिटवीन है तो राइट में है तो लेफ्ट में भी है, राइट में है तो लेफ्ट में भी है, एग्जैक्टली बिटवीन का तो मतलब यही है राइट में है तो
लेफ्ट में भी है, तो दोनों तरफ लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल, ये टोटल हो जाएगा 10 और 12, 22 और 7 7 14, 22 और 14 36 माइनस 1 35, 61। क्लियर, बोलो यस और नो, डन। हाँ बिल्कुल, मोदी रोजगार दो, इसको हैशटैग को हमेशा चलाते रहो भाई, ये ट्विटर की लड़ाई लंबी है, सड़क पे भी उतरेंगे, और जरूरत पड़ी तो 2017 में जैसे पूरे 13 दिन और रात, जो 2017 के बच्चे हैं वो इस बात को जानते होंगे, पूरा 13 दिन और रात, होली भी काली, होली भी एसएससी ऑफिस के सामने मनाई थी हमने, दिन और रात 13वां दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था 2017 में, जब एसएससी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया था, दिन और रात वहीं बैठे रहे थे, आपके साथ रहा था, ऐसे ही आगे जरूरत पड़ी तो मैं अपना सब कुछ छोड़ करके फिर आपके साथ सड़क पे बैठ जाएंगे, सब कुछ बाद में कर लेंगे। मैं हमेशा से जब प्रोटेस्ट होता तो मैं अपने आप को एज ए टीचर कम एज ए स्टूडेंट ज्यादा समझता हूं कि मेरी दुख है ये, भाई मेरे बच्चों का दुख तो मेरा दुख, तो इस बात को हर जगह बोलते रहो, मोदी रोज, ये जो हैशटैग है मोदी डैश रोजगार डैश दो अंडरस्कोर, जिसे बोलते हैं मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो। साथ फिर से कहां से आया, क्वेश्चन आया कि साथ दो बार क्यों लिया। बच्चे देखो, सेवन पोजीशन राइट ऑफ मोहित था, लेकिन दोनों के बीच में बैठा था। अब मैं बीच में किसी के कब बैठूंगा, जब इस तरफ से भी सात पोजीशन पे होगा तो इस तरफ से भी सात पोजीशन पे होगा, तभी तो एग्जैक्टली बीच में कहलाऊंगा भाई, एक बंदा यहां बैठा है, एक बंदा यहां बैठा है, मैं इस बंदे से सातवीं पोजीशन पे, तो मैं इससे भी सातवीं पोजीशन पे हूं, तभी तो बीच में कहलाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए सात पोजीशन राइट में था मोहित के, तो राहुल के लेफ्ट में भी तो था मोहित के, देखो ये मोहित है, मोहित के राइट में था सात पोजीशन, ठीक है, मोहित के राइट में था, तो राइट में मोहित के था तो लेफ्ट में भी था। क्लियर हुआ सात दोबारा क्यों लिया, क्लियर भाई, डन, ठीक है, कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन और करेंगे हम, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बैच मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच रहेगा, इसके लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फीस अभी कम है, बाद में बढ़ेगी भाई, बाद में 100% मैं अपनी फीस बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इनकी भी फीस बहुत कम है और मेरी भी फीस बहुत कम है, दोनों बैच बड़ी डिटेल में चलेंगे, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, अकेला मैच परचेज करना चाहते हैं, कोर्स वैलिडिटी कितने हैं प्लीज सर जी। अरे वैलिडिटी कोई रिचार्ज थोड़ी ना कर रहे हो, जो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, टेंशन ना लो, वैलिडिटी रहेगी आपके पास, वो कोर्स आपके पास ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि 6 महीना 1 साल बाद आपका वो कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से परचेज कर लो। गुड इवनिंग भाई, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो अभी इस क्वेश्चन का, इसका जवाब दे दिया था मैंने, इसका बताओ, जल्दी से बताओ भाई। अतुल इज 10th फ्रॉम बॉटम, गगन इज 7th फ्रॉम अहेड ऑफ अतुल, अतुल नीचे से 10वें नंबर पे है भाई, अतुल नीचे से 10वें नंबर पे है, नीचे से अतुल 10वें नंबर पे है, ठीक है। गगन 7 रैंक आगे है, ये करवा रखा है, गगन 7 रैंक आगे है, आगे है मतलब उसकी रैंक बढ़िया है, बढ़िया है तो नीचे से 17वें रैंक पे होगा गगन, गगन 17वें नंबर पे होगा। अब गगन 17वें नंबर पे होगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन होता है, ऐसे टॉप प्लस बॉटम माइनस वन होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन होता है, सिंपल सी बात है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। अब बॉटम की पोजिशन हमें मालूम है, बॉटम की 17, टॉप की पता करनी है, बॉटम की मालूम है, टॉप की पता करनी है, टोटल हमें मालूम है, बॉटम की हमें मालूम है 17 माइनस 1, टॉप की पता करनी है, ठीक। तो टोटल कितना है 50, 50 में से 16 माइनस कर दो, 32 कैसे आया, 50 में से 16 माइनस करोगे ना बच्चे, टॉप 50 में से, टोटल तो ये 50 दे रखा है, 50 में से आप 16 माइनस कर दो, ठीक, 50 में 16 माइनस करोगे, सॉरी आपका 34 रहेगा, ठीक 34, सुकृत राज सही जवाब, ठीक। सर बैच साइज करने के लिए क्या कोड यूज करें,
बच्चे मेरी फीस ऑलरेडी कम है, मेरी फीस ऑलरेडी कम कर रखी है, ठीक है, तो कोई कोड यूज नहीं करना, सीधा बाय नाउ पे क्लिक करना है। हाँ, अगर आप मैथ्स का बैच परचेज कर रहे हो तो आपके लिए कोड बना रखा है ए आर लाइव, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है, या फिर आप कॉम्बो परचेज कर लो, मेरी फीस ऑलरेडी कम है, कॉम्बो मैथ्स और रीजनिंग इकट्ठा मिलेगा, और कॉम्बो में बहुत डिटेल में मैथ्स पढ़ाया जाएगा बच्चे, इतनी डिटेल में आपने मैथ्स कहीं नहीं सीखा होगा, गारंटी है। डेली शाम को 7 बजे आदित्य सर की क्लास होती है, उस क्लास को देखा करो, पता चलेगा आपको क्या और सीखने की जरूरत है। जल्दी से क्वेश्चन जवाब दो, शिफ्टेड का क्वेश्चन है, शिफ्टेड का क्वेश्चन है, आज प्रैक्टिस भी होगी, जो पढ़ा चुका उसकी भी प्रैक्टिस होगी, साथ में नए क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला जो पढ़ा चुका उसका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपके नए क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी अलग से पीडीएफ लेकर के आया हूं, उसके प्रैक्टिस भी अलग से करवाएंगे, ठीक है? तो जल्दी से जवाब दो भाई, नहीं जवाब दोगे इसका मतलब आपने पुरानी क्लासेज नहीं पढ़ी हैं, सिंपल सा फंडा है, पुरानी क्लासेज नहीं पढ़ी अगर आप जवाब नहीं दोगे तो। हाँ बिल्कुल, हैशटैग मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो, ये चलाते रहो, ये मुहिम चलाते रहो, आपकी पढ़ाई तो करनी ही करनी है, साथ में ट्विटर पर ये मुहिम भी चलानी है, और ट्विटर के बाद जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी आएंगे, लेकिन अब की बार एसएससी में रिफॉर्म्स करके रहेंगे, अब की बार वैकेंसी बढ़ा करके रहेंगे, जब ऑलरेडी पोस्ट खाली पड़ी है तो वैकेंसी आनी चाहिए ना, इलेक्शन के लिए इकट्ठी कर रहे हैं, और इलेक्शन के लिए इकट्ठी कर रहे हैं, तो 14 में तो ये लगा कि 14 में डाउन हो रही है, 15 में डाउन हो रही है, 16 में डाउन हो रही है, 17 में डाउन हो रही है, 18 में डाउन हो रही है, तो लगा कि शायद इलेक्शन के लिए इकट्ठी कर रहे हो, कि 19 में एकदम से भरमार ला देंगे, है ना, और 19 में एकदम भरमार ला देंगे तो आपके बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे, 19 में भी ना लाए भरमार, कि एकदम से 50,000 वैकेंसी ला दी हो एसएससी में, पोस्ट खाली होती जा रही है, डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं, ऑलरेडी जो पोस्ट है वो तो भरी नहीं गई है, तो बिल्कुल सारे रिफॉर्म साथ में, जो वैकेंसी आई है एटलीस्ट उनमें तो जल्दी से फटाफट एग्जाम हो, फेयर एग्जाम हो, इसकी डिमांड करते रहेंगे और सुधार के रहेंगे, टेंशन ना लो डिपार्टमेंट को। चलो सुनो, मोहित इज शिफ्टेड बाय 6 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, मोहित बाएं की तरफ 6 स्थान बदल ले, बाएं की तरफ, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि बच्चे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ये बात कि वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मोहित बाएं की तरफ 6 स्थान बदल ले, देखो बच्चे मोहित बाएं की तरफ 6 स्थान बदल ले, यहां से बाएं की तरफ 6 स्थान बदल ले, लेफ्ट की तरफ, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो ये आपका लेफ्ट, अभी यहां से यहां शिफ्ट कर दिया बच्चे, यहां से उस बंदे ने यहां शिफ्ट कर दिया, यहां से उस बंदे ने यहां पर शिफ्ट कर दिया 6 स्थान, ठीक है, ही विल बिकम 10th फ्रॉम लेफ्ट, कहां से पोजीशन दे रखा है 10th, कहां से बाएं से, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर हो जाएगा बच्चे, वह बाएं से 10वें स्थान पर, अभी बच्चे वो यहां पर बैठा है और बाएं से 10वें स्थान पर हो जाएगा, यहां 10th शिफ्ट करने के बाद वो बंदा आगे जाएगा या वो बंदा इस लाइन में पीछे आएगा, बताओ जल्दी से, बंदा आगे जाएगा या वो बंदा इस लाइन में पीछे आएगा, बताओ शिफ्ट करने के बाद, भाई वो बंदा था तो यहां ना, तो ये आगे बढ़ेगा ना, 6 स्थान आगे जाएगा पहले वाली पोजीशन पे करने के लिए, पहले वाली पोजीशन के लिए आगे जाएगा, तो 10 में 10 और 6 16, एक साइड की पोजीशन पता चल गई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, एक साइड की पता चल गई, राम राम भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, उसके बाद क्या है, 16 प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक, तो सिंपल सा फंडा, राइट टोटल 45 में 15 माइनस कर दो, 30 हो गया, 30 आंसर है, 30 अर्पित का सही है, हंसू अभी भी गलत कर रहे हो, पढ़ने के बाद भी गलत कर रहे हो, निलेश 28 गलत कर रहे हो बच्चे, अरे 15 माइनस करना बच्चे, 10 और 6 16 होगा, ठीक 16 होगा, आप माइनस एक करके, एक कम करके माइनस करना, आप प्लस एक करके माइनस कर रहे हो, ठीक, अभी 29 भी गलत है, 30, अब तो सॉल्यूशन सामने है, ठीक है, चलो नेक्स्ट,
बताओ, दीपक इज नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से नाइन्थ है और फोर्टीन फ्रॉम राइट, राइट से फोर्टीन है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कितने छात्र हैं? 14 और 9 कितने बन गए? 23। जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, डेली ये क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं क्योंकि इसमें गलती होती है, इस क्वेश्चन में गलती होती है, इसलिए कल भी ये क्वेश्चन लेकर के आया था, परसों भी ये क्वेश्चन लेकर के आया था, आज भी ये क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। हंसु, आप एक ऐड करके माइनस कर रहे हो, बस एक गलती कर रहे हो और कुछ दिक्कत नहीं आ रही, मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूं, सिर्फ एक गलती कर रहे हो, ठीक। तो कल भी लेकर के आया था, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, जब गिवन टोटल 16 अपने टोटल 23 से कम रह जाए, तो गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो क्या करना है? ओवरलैप का केस है, क्या ट्रिक बताई थी ओवरलैप के केस में? जब कभी भी गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो दो बंदों का ओवरलैप होता है वो माइनस कर दो, ओवरलैप का केस है। लवी, आपने कल और परसों की क्लासेस का मतलब नहीं देखी, जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए, ठीक, डन। जब गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो सिंपल सा फंडा है, जब कभी भी गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो जो टोटल आए उसमें से गिवन टोटल माइनस किया और दो बंदों का ओवरलैप। बिल्कुल, सुकृत ने सही जवाब दिया, आकाश ने सही जवाब दिया, पांच, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये बैच आ रहा है 22 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, 22 तारीख से आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, प्ले स्टोर पर जाना, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करोगे तो आपको मैथ्स का बैच भी मिलेगा, रीजनिंग का बैच भी मिलेगा, और मैथ्स का बैच आदित्य सर बड़ी डिटेल में मैथ्स का बैच कराएंगे, सारे टीचर्स के नोट्स और जितने भी टीचर्स के नाम सुने उनके कंसेप्ट और उनके नोट्स और उनकी बुक्स और उनके क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस प्लस एक टॉपर की गाइडेंस, ये खुद इन्होंने मैथ्स में, इंग्लिश में, जीएस में, रीजनिंग में, सब में, जीएस में नहीं, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर लिए, 200 में से सबसे टफ शिफ्ट में 190 नंबर मैथ्स में, वो आपको मैथ्स बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मैथ्स का यूज परचेज कर सकते हो एआर लाइव कोड यूज करके और रीजनिंग का परचेज कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी। मिनिमम का आज भी आ गया भाई, मिनिमम का, ये मिनिमम का आज भी आ गया, 16 प्लस 19 प्लस बीच में 5 बैठे, मिनिमम का केस आ जाए, न्यूनतम का केस आ जाए, कम से कम 16 प्लस 19 प्लस 5, 16 प्लस 19 प्लस 5, गिवन डेटा को ऐड कर लो, कुछ नहीं करना, जब भी मिनिमम पूछे देखो 16 प्लस 19 प्लस 5, ठीक, तो 16 प्लस 19 प्लस 5 कितना हो गया? 40, ठीक है। उसके बाद अगर मिनिमम नहीं दिया होता तो आंसर 40 जाता, अगर मिनिमम नहीं दिया होता तो 40 जाता, और अगर मिनिमम दे रखा है तो क्या करेंगे? बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, और दो बंदे ये और ओवरलैप हो गए। मिनिमम के केस में बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे रीता और मधु ओवरलैप हो गए, ठीक। तो अगर मिनिमम का केस आ जाए तो बीच में जितने बैठे हैं 5, उसका डबल 10 और दो बंदे और 12 माइनस कर दो, 28 मिनिमम है। अगर मिनिमम पूछता तो, मिनिमम नहीं देता या फिर मैक्सिमम देता तो 40 आंसर होता, ठीक, 40 आंसर होता, ठीक है। ईमानदारी से बताना, आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन से पढ़ाई कर रहे हो, पूरे दिन से मेहनत कर रहे हो, और पूरे दिन से मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद रात को ऐसा मन करता है कि यार आज रात को पढ़ाई नहीं करते, यार आज मूड नहीं है, यार आज तबीयत भी ठीक नहीं है, और आज नहीं मन कर रहा आज, ऐसा होता है, और फिर उस रात आप पढ़ाई नहीं करते, पढ़ने का शेड्यूल बनाने के बाद भी आप पढ़ाई नहीं करते, पूरे दिन से मेहनत करने के बाद आपको लगता है कि यार आज नहीं, आज रेस्ट करते हैं, और आप पढ़ाई नहीं करते। बोलो यस और नो, ऐसा होता है? नहीं। कई बच्चे सोचेंगे ऐसा तो तब होगा ना जब पूरे दिन से मेहनत करेंगे
पूरे दिन से तो नहीं ठल्ले बैठे हैं, मैंने तो कर्न की नहीं, तो ऐसा होगा कैसे? ये बात मैंने इसलिए बताई, जिसके साथ ऐसा नहीं होता वो बहुत सही ट्रैक पे है, पर जिसके साथ ऐसा होता है और वो उस रात पढ़ाई नहीं करता, हाँ सर होता है, उस रात पढ़ाई नहीं करता, तो वो सबसे गलत ट्रैक पे है। ऐसा टीचर्स के साथ हफ्ते में 5 या 6 दिन होता है, टीचर्स का शेड्यूल सबसे ज्यादा बिजी रहता है। जैसे आज मैं सही बताऊं तो सुबह 8 बजे से लेकर के लगातार कंटिन्यू काम कर रहा हूं, पहले क्लास ली मुखर्जी नगर में, फिर मुखर्जी नगर ऑफिस, फिर अपना जो रैंकर्स गुरुकुल जो ऑफलाइन चल रहा है, रैंकर्स गुरुकुल में बच्चों से मिला, बच्चों को गाइड किया क्या क्या और पढ़ना है, कितना और पढ़ना है, उन बच्चों से इंडिविजुअल गाइडेंस दी, क्या क्या वो गलतियां कर रहे हैं, कैसे वो पढ़ाई में मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे पिछले बच्चों ने सिलेक्शन लिया, कैसे आगे सिलेक्शन होगा, वो पूरी गाइडेंस दी। और रात 9 बजे तक मैं उनसे मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा, 9 बज गए तो ऐसा मन हुआ कि 9:30 वाली क्लास कैसे लेंगे, लेकिन फिर भी 9:30 वाली क्लास लगा रखी थी तो लेंगे, और उसी एनर्जी से लेंगे और उसी खुशी के साथ लेंगे, मजा आएगा। जबकि चलो नेक्स्ट, जल्दी से बताओ भाई, मिनिमम मिनिमम न्यूनतम, मिनिमम न्यूनतम। देखो भाई, 28 प्लस 19 प्लस 7, 28 प्लस 19 प्लस 7, 28 और 7 35 और 19 54, उसमें से बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और दो बंदे और, 54 में से 7 × 14 और प्लस 2 16 माइनस कर दो, ठीक। एक बार आप भी वीडियो बना दो और कुछ तो बोलो, मोदी रोजगार दो। नीरज तिवारी वीडियो बना रखी है बच्चे, और डेली एक वीडियो आ रही है मोदी रोजगार दो के ऊपर, और ट्विटर पर जाना आरजी विक्रमजीत, डेली ट्वीट कर रहा हूं। और मुखर्जी नगर में ऑफलाइन बैच मेरा 9:30 से 11 चलता है, 9:30 से 11 बैच चलता है, और 11 बजे सबसे ट्वीट करवाना शुरू करता हूं कि मोबाइल निकालो फटाफट ट्वीट करो। तो सारे टीचर्स सब साथ हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको टीचर्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी मेरे नहीं, किसी भी टीचर को कि आप ये बोलो, आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे, आप भी बोल दो, ये कर दो वो कर दो, टीचर्स आपसे ज्यादा साथ हैं। जबकि टीचर्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होने के बाद भी, जिस दिन आप टीचर बनोगे उस दिन पता चलेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का प्रेशर हो, आप स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी एक गार्जियन के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे हम साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। 50 स्टूडेंट दे रखे हैं भाई, पहले खुद सॉल्व करो, एक बार जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से इसका जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो, इसका खुद जवाब दो पहले। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, मतलब गलती हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, सोल जरूर करो। जल्दी से सोल करो, देखो P इज 13th फ्रॉम लेफ्ट, Q इज 9th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी चिल्ड्रन बिटवीन देम P एंड R, R इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q। ये क्वेश्चन कल हो गए थे शायद, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, चलो देखते हैं। P 13th है लेफ्ट से, मतलब 12 है, Q 9th है मतलब राइट है, उसके बाद R is 4 to the left of Q, R 4th है left से, 50 स्टूडेंट है, बीच में कितने बैठे, अरे टोटल गिन लो भाई, टोटल गिन लो, 12 और 1 13 और 1 14 और 3 17 और 1 18 और 8, 18 और 8 26,
50 में से 26 गए 24, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, यहां पर कितने बैठेंगे, 50 में से 26 गए 24, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, पी 13th पे है, क्यू 9th पे है और ये फोर्थ प्लेस लेफ्ट है, नोर 4 13 13 26, 50 में से माइनस कर दो, 24 बीच में बैठे, खत्म कहानी, खेल खत्म, 24, ठीक है। एक और पीडीएफ ऐड करता हूं भाई, ये दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड भाई, दिखाई दे रहा है, बताओ भाई जल्दी बताओ, यस और नो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, नो सर नहीं दिख रहा, क्या सर ये क्लास यूट्यूब पर रोज चलती है, हाँ रोज चलती है भाई, रोज चलती है यूट्यूब पर, 9:30 बजे रोज चलती है, क्लियर नहीं है सर, अब देखना एक बार, आप देखो क्लियर है या नहीं, ये मेरी बुक है यार, इसको बड़े बड़े फॉन्ट में करवाना पड़ेगा, एज इट इज दिखाई दे रहा है, चलो आज आज काम चला लो, कम दिख रहा है, आज आज काम चला लो, कल से मैं इसको दोबारा टाइप करवाऊंगा बड़े फॉन्ट में, थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देख लो, दिख रहा है, चलो कोई ना, आज आज देख लो, सुनो जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस चलेगी, अब तो प्रैक्टिस होनी चाहिए फटाफट, यू आर 11th इन द क्यू फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, आइदर एंड, ये बड़ा किसी भी छोर से आइदर एंड दे रखा है, ये आइदर एंड किसी भी छोर से 11वें नंबर पे हो, ठीक, किसी भी छोर से आप 11वें नंबर पे हो, आइदर एंड किसी भी छोर से आप 11वें नंबर पे हो, तो यानी कि दोनों छोर से 11वें नंबर पे हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन आपको पता ही है, 11 प्लस 11 माइनस एक, 11 प्लस 11 माइनस एक, यानी कि 21, 21, खेल खत्म, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए फटाफट, ठीक है क्लियर चलेगा, आज आज देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके बाद डन, नेक्स्ट, उसके बाद आशा रैंक 16th फ्रॉम टॉप एंड 15th फ्रॉम बॉटम, दूसरा दूसरा 16th फ्रॉम टॉप 15th फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो, कितने छात्र हैं, अरे टॉप से बॉटम से पता है, 16 प्लस 15 माइनस एक यानी कि 30, खेल खत्म, नेक्स्ट, ये तो प्रैक्टिस है ना, या तो प्रैक्टिस होनी चाहिए फटाफट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो, तीसरे का,
बताओ। देखो सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्टीन फ्रॉम राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, 7 + 14 = 21, -1 = 20, खेल खत्म। नेक्स्ट फटाफट फटाफट, टेंथ दे रखा है 50 मेंबर है, दूसरे छोर से पूछा है 50 में से 9 माइनस कर दो, 50 में से 9 माइनस कर दो 41। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो अमन, टॉप सेवंथ फ्रॉम टॉप 28 फ्रॉम बॉटम, 7 + 28 - 1, पहले ही टाइप यही थी, ये आए हुए क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था ना सारे क्लास नोट्स में से मिलेंगे, 7 + 28 = 35 - 1 = 34, खेल खत्म। ए नेक्स्ट, ऐसे आंसर आना चाहिए भाई, ठीक। नेक्स्ट देखो पांचवा, पांचवा तो हो गया, छठा इंटरचेंज वाला आ गया ना, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन पूछा है। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी इंटरचेंज वर्ड दिख जाए, जब भी स्थान आपस में, स्थितियां आपस में बदल लेती हैं, आपस में स्थितियां बदलती हैं, ये अगर दिख जाए तो क्या करना है, सिर्फ ये देखो कि विनीता जो है, विनीता 7 पोजीशन से 15 बन गई, 8 बढ़ गए, 7 पोजीशन से 15 बन गई, 8 बढ़ गए, तो नीना भी 4 + 8 हो जाएगा, और 4 + 8 हो जाएगा तो 8 और 4 = 12 हो जाएगा, बिना पेन उठाए, पेन किसी में भी नहीं उठा रहा, मुझे समझाना पड़ रहा है इस वजह से पेन उठाना पड़ रहा है, बिना पेन उठाए आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ सातवां, सातवां भी इंटरचेंज का है, अब की बार पेन नहीं उठाना भाई, सातवां भी इंटरचेंज का है, इंटरचेंज का, एक्स 10th पोजीशन पे है और वाई 8th पोजीशन पे है, पूछा क्या है सबसे पहले, हाउ मेनी पर्सन देर इन द क्यू, कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं, तो इंटरचेंज वाले में क्या ट्रिक बताई थी, कितने बंदे हैं क्या ट्रिक बताई थी इंटरचेंज वाले में, बच्चे मैंने ये ट्रिक बताई थी कि टोटल निकालने के लिए, बच्चे टोटल निकालने के लिए जो बंदा इंक्रीज कर रहा उसकी नई पोजीशन, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन माइनस एक, जो बंदा इंक्रीज कर रहा उसकी नई पोजीशन, एक्स की नई पोजीशन, वाई की पुरानी पोजीशन माइनस एक, एक्स की नई पोजीशन 16, दूसरे की पुरानी पोजीशन 8 माइनस एक, इंटरचेंज वाले में पेन नहीं उठाना और एग्जाम में इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आएगा, एक्स की नई पोजीशन, दूसरे की पुरानी पोजीशन माइनस एक, एक्स की नई पोजीशन, दूसरे की पुरानी पोजीशन 16 + 8 - 1, तो 23 इसका आंसर जाएगा, 23। नेक्स्ट बताओ भाई, आ जाओ आ जाओ, 23 ये रहा ऑप्शन में, ये रहा 23, हो गया ठीक। नेक्स्ट फिर से, उसके बाद इन्हें क्लास ऑफ 20 मोहिनी की रैंक 5 है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, सिद्धू की रैंक 11th रैंक फ्रॉम लास्ट है, ठीक है, मोहिनी की रैंक 5 है, लास्ट से सिद्धू की रैंक 11 है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर रैंक्ड इन बिटवीन मोहिनी एंड सिद्धू, सिंपल सा फंडा है, 5 ऊपर से दे रखा है, 11 रैंक नीचे से दे रखा है, टोटल स्टूडेंट हो गए 11 और 5 = 16, और गिवन टोटल कितना है 22, क्या गिवन टोटल अपने टोटल से कम है, नहीं, गिवन टोटल अपने टोटल से कम होता तो हम ये करते, गिवन टोटल अपने टोटल से कम होता तो हम ये करते कि लास्ट में 2 माइनस कर देते, और अगर नहीं है तो 22 में से सीधा 16 गया, 22 में से सीधा 16 गया, ठीक, 22 में से 16 गया, 22 में से 16 गया, खत्म कहानी 6,
सारे क्वेश्चन पढ़ाने के बाद फटाफट होने चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ भाई। इसका बताओ, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, इंटरचेंज वाला। कितने स्टूडेंट है, इंटरचेंज वाला, पेन नहीं उठाना, इंटरचेंज वाला। देखो, श्रीनाथ की नई पोजीशन 22, दूसरे बंदे की वेंकट की पुरानी पोजीशन 12 माइनस 1, 22 प्लस 12 माइनस 1, खत्म कहानी। इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आएगा और इंटरचेंज की ऐसी ट्रिक माइंड में फिट कर दी आपको, 22 प्लस 12 माइनस 1, सिंपल, 22 प्लस 12 34 माइनस 1 33, खत्म कहानी। क्लियर हुआ, डन? तो प्रैक्टिस कंटिन्यू चलने दूं या फिर इनको बड़े बड़े कैपिटल लेटर में टाइप करवा करके कल करवाऊं? जल्दी बताओ। नहीं दिखाई दे रहा तो चलो बच्चे, एक तो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें नया बैच आ रहा है। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इस एप्लीकेशन पर आपको डेली क्लास मिलेगी, रेगुलर क्लास मिलेगी, सीजीएल से पहले सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। फीस बहुत कम है अभी, ठीक, फीस बहुत कम है। साथ में मैथ्स का बैच भी, कॉम्बो बैच भी आप परचेज कर सकते हो। कुलदीप कह रहे हैं चलने दो, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे आया है कि सर सही नहीं दिखाई दे रहा।